शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजू विक्की लुधियाना से बाजीराव आप भी आ गए, वेरी गुड। हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मेरा नाम है सूरज प्रकाश और मैं बहुत काम की चीज हूँ। मैं रोशनी तो देता ही हूँ, साथ में पापड़ बड़ियां और कपड़े सुखाने के काम भी आता हूँ। पर अब एक मैं सियानी बात करने जा रहा हूँ। शराब पीना बुरी बात है, क्योंकि इसे पीकर आदमी सच बोल देता है और कई बार फंस भी जाता है। हाँ, इसको नहीं पीना। प्रोग्राम शुरू करो। शर्मा शो। हबीबी हबीबी सकरते माकरते। अबे कहां से निकल गया? वो चंदू पश्तो बोल ये क्या कर रहा है? ब्लाउज प्रेस कर रहा हूं। दिखाई नहीं दे रहा, अरबी सीख रहा हूं मैं। अरबी सीख रहा है? कौन सी, तरी वाली की सूखी सूखी? अरबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या पता, आप कभी दुबई गए हो तो पता चले आपको अरबी किसको कहते हैं। ये तो जैसे रोज जाके ना बुर्ज खलीफा का दरवाजा खोल के आता है। इधर मेरी दुकान की तरफ ध्यान नहीं देना, मर्तबान को बंद करो। इधर हो, इधर हो जाओ, मर ही जाता है, एक बिस्कुट देना पड़ जाएगा। आपको पता है भाजी, एक बार ना 16-17 साल की उम्र में इसकी मूंछें निकले, रोने लग पड़ा। कहता अब मैं एयर होस्टेस कैसे बनूंगा। बचपन में तो कहता था एयर होस्टेस बनेगा तू। बताओ चाय पियोगे? ये होता है दोस्त आते चाय पूछ रहा है। और रात की बची पड़ी मैंने फेंकनी है। पाजी आपने तो इतना क्रिकेट खेला है, ध्यान से देखो इसका मुंह 9 बॉल जैसा नहीं। लाना ना तेरे पे, कभी जिंदगी में अच्छा काम किया कोई? हाँ जी, मैंने बच्चा पैदा किया है। शर्मा जी आज तो आप जो मर्जी मेरे को बोल दो, मेरा बदला जो है ना मेरा बच्चा ही लेगा। अरे जिस बच्चे का नाम ही खजूर है वो क्या बदला लेगा? वो खजूर नहीं, खजूर जी बोलिए। आपको पता है कितना संस्कारी बच्चा है वो? जब भी मैं रात को सोता मेरी मालिश करके सोता है वो। मालिश नहीं करता, इसकी हड्डियां गिनता है वो रात को। मेरे को बोल रहा था, कहता अंकल 106 तक पहुंच गया, जिस दिन 206 पकड़ ली एक एक करके तोड़ूंगा। हाँ नानी। बेटा मैं गलती से अपना दांत कहीं रखकर भूल गई, जरा ढूंढ दे बेटा। अरे ध्यान से देखो नानी, मुंह में होंगे। अरे मेरे दांत मेरे मुंह में ही है, मुझे मेरे दांत मिल गए। अच्छा सुन कप्पू। हाँ? उस नमक हराम चंदू के पास से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आ, मलाई मार के। चंदन, चंदन नाम है मेरा। धो के गिलास धो के देना। सारी दुनिया दीवानी है, मैं क्या करूं, बड़ी जालिम जवानी है, मैं क्या करूं। डैडी, डैडी, चंदू। ओए! भाई ये कौन है छोटे मियाँ? खजूर। खबरदार तू मुझे खजूर बोला तो छुहारा जैसा मुंह आपका है। फिर उसके लिए मुझे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मेरा नाम मेरे शक्ल के हिसाब से रखो। तो बेटे काली मिर्ची अच्छा थोड़ी लगना था। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलोगे, एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे, ये दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। हाँ। पूरे क्लास में मैं अलग दिखता हूँ। हाँ बेटे, बेंच पे खड़ा बच्चा अलग ही नजर आता है। पाजी दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जिसने घर में बेटा नहीं बाप पैदा किया है। ठीक है ठीक है, एक चाय पिलाओ और 2 बोले चाय दे दो, अब पैसे मेरे खाते में लिख लेना। तू अपने बाप को पैसे देगा? हाँ हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। कल को मैं बराबर नहीं बन गया, आप तो मेरे घर में आके बैठ जाओगे। ओए शर्म कर, शर्म, मैं तेरा बाप हूँ। तो मैं कौन सा आपको मम्मी जी बुला रहा हूँ।
कि पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है। बासी मठिया खिलाऊंगी आपने, अगर काजू बादाम खाकर पैदा किया होता तो मैं ऐसे थोड़ी होता। बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। हाँ वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सारा होमवर्क गलत कर दिया। ताजमहल आगरा की जगह दिल्ली में क्यों लिख दिया? तुझे पता मेरे बाप ने मेरे को मद्रास बताया था। शुक्र करो मैं दिल्ली तक ले आया हूँ, जब तुम्हारा टाइम आएगा आगरा तक ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगा, पर अभी मेरी टीचर कंप्लेन करने आ रही है, उसका क्या? मेरे लाल क्यों टेंशन ले रहे हो, जब वो आएगी मैं देख लूंगा ना उसे। आप तो देख लेंगे, पर टीचर ने आपको देख लिया तो स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए खोदार खुद को मेरा बाप बोला तो। कप्पू अंकल आप मेरे बाप बन जाओ ना। अजरा चल चल, मैं तेरा बाप क्यों बनूं, मेरे को क्या मिलेगा? काम जो मैं बोलूं, दाम 10 रुपए। चल ठीक है, मैं तेरा बाप। यस यस। I have tell her कि हाँ हाँ, she has 2 daughters and both are girls. Yes. Hello madam, long time. Hmm? Shut up. Go there. Stand up and hand up. तो आप खजूर के पापा हैं? नहीं नहीं मैडम, ये चाय वाला है। मेरे पापा तो आपके पीछे हैंडसम थे, देखो। हेलो। पीछे की टिकट। चढ़ गया ऊपर। कहाँ आप हैं इसके पापा? जी। एक चाय बोले, मैडम के लिए चाय लेकर। नहीं नहीं मुझे चाय भाई। एक मिनट, मैं यहाँ पे चाय भी पीने नहीं आई हूँ, अच्छा? एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ एंड हाँ प्लीज ऐड सम स्नो इन इट। सेम टू यू। यस। आइए। हाँ तुम। वाओ, दिस इज वेरी नाइस इन दोस चेयर्स। देखिए मैं आपसे अभी बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए बात यह है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, सब कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इसे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम मैं जब भी सख्ती करता हूँ ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है। नहीं वही की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। आप जो इसे बार बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है, आप इसको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है? कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। लिखिए जी। आपको पता है इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है? इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ इसीलिए चाय बेच रहे हो। मैडम आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था मैं। मतलब हाँ डैडी, मुझसे बहुत सवाल पूछती है पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा मैडम मैं आपका टिफिन खा लूं, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हैंड्स अप। वो फ्लो फ्लो में नीचे आ गया था। फ्लो फ्लो में नीचे आ गया था। लिसन, थोड़ा साइड पे हो खिड़की से, लेट द एयरफोर्स कम इन। देखिए आपको बताऊं, एयरफोर्स इतना बदतमीज है ये। उस दिन टॉयलेट में मैं गई, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था, बताइए। आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछे ये मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। ओ खजूर, और तू इतना बिगड़ गया है, शाम को घर आ फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा, नालायक एक नंबर का। हाँ तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है, वो कौन सा PhD करके बैठा है। देखिए मैडम क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है। आप मेरे घर में आई, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते, इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है जी, आप जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन से मैं गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको बताए थोड़ा सा सुधार नहीं आप इसको, मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या जस्ट, हाँ आप ही बता दीजिए
कि आपकी वाइफ का नाम क्या है? बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? नहीं, आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। तो थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ, ठंडाई देवी? हाँ, वो एक्चुअली ना क्या, बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डाल करके तो ठंडाई बनाती रहती थी, मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। नहीं, आप जो बोल रहे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। क्या? होम डिलीवरी? जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं नहीं, आप समझ नहीं, देखिए जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर के उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है? उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी, उसकी दुकान पे बैठा रहता है। शर्मा जी, आपने क्या बोला, ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी। थोड़ी नहीं, वो क्या है, मैं अभी अभी इसका बाप बनाऊं। क्या, आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप? आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं। हाँ, ये तो है। उस हिसाब से ना, लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हूं ही नहीं जी। क्या? हाँ, आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग। एक मिनट, आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ, आपको विश्वास नहीं होता, हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, देखो। शट अप, मी टॉक ही टॉक, व्हाई यू टॉक मिडल टॉक? मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं नहीं, आप देखिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, अब कल को मैं बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने तो बोले कि आप इसके बाप हैं। आप औरत ना होती, आपका झुंडा मरोड़ता मैं पकड़ के, आप बार बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है, मैं इसका बाप हूँ या मेरा बाप है, इस तरह शैतान है कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे। पर आप इसके बाप हैं। देखिए, आपके एंगल से मैं इसका बाप हूं ना। हाँ। देखिए, जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर हैं, तो सबके एंगल से आप टीचर हैं, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना। जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना। सिस्टर। सिस्टर होगी अपने ब्रदर की। एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ, अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड इधर, हैंड्स अप, हैंड्स अप। सब कुछ क्लियर हो जाए, मारूं एक। देखिए, आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा, कॉल। देखिए, मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है। आपको मिलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आपका माँ बन गई, कप्पू पापा बन गया, तो मैं भी माँ बन गई। पर ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पति पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो। आइए मैडम, आप बैठिए। हाँ जी बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं नहीं, इसकी माँ हूँ, जा जाके पोली के 2 बूंदे पी के आओ पहले। वही झूठ बोल रही है ये, वही माँ हूँ नहीं है ये। ये भी इसका बाप नहीं है। सारी पोल खोल दूंगी मैं। क्या क्या पोल, क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के थी, वो खोल दूंगी। बेटा मेरा सोना, कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं किया। दीदी, एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया? दीदी बोला? पागल बोला दीदी? अरे मैं, इसका कसूर नहीं बच्चा ना, ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी, तो उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था। होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा। लेकिन होम डिलीवरी तो अस्पताल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका, ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल टॉप फ्लोर घर। ये 50-50 हॉस्पिटल है ना, जो 4-सीटर हॉस्पिटल है, सारी फैमिली बेड पे सोती, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है। कप्पू, एक बात बताइए मुझे, ये
आप दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो उस चाय वाले से मिल रही है। ये। अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता तो उसी पे शक्ल जाएगी ना, हो जाता है। आप सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती है। तो ठीक, एक बात बताइए जी, कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। क्या कह रहे जंगल, आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा, इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए देखिए, चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या, व्हाट इज द हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग, इज इट, मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से इतनी बदबू आती है ना, टेल यू। अब मैडम क्या करें, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है, मैं जस्ट लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, खुद इतनी कंफ्यूज हो तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज औरत। वैसे एक बात बताइए, आप अपनी शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं करती? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, आप बोल रही हैं आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे वो आपका बच्चा है। आखिर ये बच्चा है किसका? देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है। हाँ। पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है, पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ भाई, इज इट टोटल इज द कंफ्यूजन इज मैन गोइंग ऑन। आई एम सेइंग द सेम थिंग ऑन द रोड ना। टप्पू, मैंने सुना है कि तेरा बेटा हुआ है। लो पेड़ा खा लो। नानी ये तो आलू है। चुप कर, मुझे मत सिखा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? नानी मैं इधर हूँ। अरे कप्पू, इसकी आवाज तो एडल जैसी है, ये अचानक इतने बड़ा कैसे हो गया? और नानी थोड़ा भागते भागते बड़ा हो गया, जैसे फिल्मों में होता है ना, भागते भागते हीरो बड़ा आ जाता है, थोड़ा फिल्मी बच्चा है ना। जो भी हो कप्पू, तेरी वजह से हमारे खानदान में चिराग आया है। अरे इस चिराग को पैदा करने वाली बहू कहाँ है? बहू 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 इतनी कड़क कैसी है? हाँ, जिम करती है? नहीं, मैं टीचर हूँ। वाह कप्पू वाह, सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाया है तू? अरे वाह, अब जिंदगी भर हमें पेंशन मिलती रहेगी। आपकी नानी को दिखता नहीं है? अरे वाह, इतनी ऑडियंस भी बैठी है, इतना गंदा अस्पताल। नानी मैं हूँ आपकी बहू। ए खबरदार, मेरे नानी के पैर छुए, लात मार नानी। जो भी हो तू चुप कर। बहू। हाँ नानी। इधर है। इधर ये ले, तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी? लेकिन मैं इतने सारे गहनों को कैसे संभालूंगी नानी? कौन से गहने? नानी जो तिजोरी में है, जिसकी चाबी आपने दी है। तिजोरी कहाँ है? पिछले 5 पुश्तों से सिर्फ चाबियां ही चल रही है, अपने बाप को बोल के तिजोरी लगवा ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैडी से बोलकर एक तिजोरी भी बनवा लूंगी। ये गुलाटी की बेटी है? हाँ नानी। अरे सिद्धू जी भी आए हैं। सत श्री अकाल जी, कैसे आ गए? जो भी हो, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी गुलाटी की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ए छोटी गुलाटी, चाबी दे।
चल मुन्ना, I am coming. चल घर पीछे है, पता है, पता है। नानी इधर। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, और रिश्ता अब बजा तो रिश्ता पक्का वाला ढोलकी गाने बजा रहा तो। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, मुबारक हो बस कर, मुबारक हो बे रिश्ता पक्का, मुंह मीठा करो। रिश्ता किसका हुआ है डैडी? मेरे प्यारे प्यारे बेटे का, लड़का सलमान खान है। एक मिनट, इनका रिश्ता हो चुका है, इनका तो बच्चा भी है। हैं? अभी रिश्ता हुआ, बच्चा भी हो गया। सुना था बच्चे फास्ट हैं, पर इतने फास्ट हैं मेरे को नहीं पता था। कौन है, कहाँ है बच्चा भाई? मैं हूँ बच्चा। ले ये बच्चा, मेरे को पता नहीं ये बच्चा चाय वाले का बच्चा है। तो मैंने कब कहा है मेरा बच्चा नहीं है ये? ये हो क्या रहे बस दुगई गोनिस ने मैं थी कंफ्यूजनिंग। ये बोल रही है इनका बच्चा है, मतलब ये बोल रही है इनका बच्चा है, ये किसका बच्चा है? बच्चे भगवान के होते हैं। तो फीस मुझसे क्यों भरवाते हो फिर? देखिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कंफ्यूजन से। ये बोल रहे कि ये बच्चा इसका, ये बोल रहे इसके बाप है, आप बोल रहे कि आप इनकी बीवी हैं, लेकिन ये बोल रहे आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे कि आपका बच्चा है। तो ये बच्चा है किसका, कहां से आया ये? स्कूल से है। देखिए मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ओ भाई मुबारक हो भाई, एक और बच्चा आने वाला है। नर्स, नर्स आ जाओ, नर्स जी। अरे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर नहीं नहीं एक मिनट, मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मेरी माँ कैसे बन सकती हूँ? शादी तो मेरी बेटी की भी नहीं है, फिर ये कैसे माँ बन गई यार? अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सच्ची कह रही हूँ मैं तो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस 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 मैं बुलाती हूँ पुलिस। हाँ। पुलिस इतनी जल्दी आ गई, ऐसे कैसे? कोई ऐसे कैसे नहीं, बाहर खड़े एंट्री की वेट कर रहे थे और क्या। ओ पहले तो पुलिस ही आती थी, आज जीप खुद ही वर्दी पहन के आ गई। अरे भाई तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। नहीं, 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 नहीं। मैंने सीटी मारा, मैंने आपको बुलाया। हाँ भाई नर्स मेरी है, सीटी इसको क्या मारोगे भाई तुम? लेकिन बात यह है कि मैं I'm in love with him. क्या? तुम्हारी शो में कास्टिंग इसलिए की थी, इस पे लाइन मारो। नहीं 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 नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से। अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको बुलाया, आपको पता करना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। देखिए पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लीजिए, इंस्पेक्टर DIG दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे। ठीक है, आपका नाम बोलने से तो नेम इसलिए कोई नहीं, रेफरेंस से खुद। देखिए आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता लगाना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। यह तो बड़ा आसान है, इसकी माँ से पूछ लो। हाँ तो वो खड़ी इसकी माँ पूछो। आपकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग ली थी और आप माँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, देखिए खबरदार मुझ पे लाइन मारी तो शर्म आनी चाहिए आपको, हाथ में डंडा और आप लाइन मार रहे हैं, डंडा मारो। कप्पू देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, इस मामले को हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप कृपया जाइए यहाँ से प्लीज। इंस्पेक्टर DIG और आंखों से निकला आंसू कभी वापस नहीं जाते। वाह भाई वाह वाह वाह, DIG साहब इतना रोमांटिक शेर, सेवन फॉर मी आल्सो ना। इससे अच्छा तो शेर मैं बोल लेता हूँ। अच्छा हाँ बाबा करो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये कमजोर सा बच्चा थोड़ा सा घी चाहता है। लाना था तेरे शेर पे, बकवास है। खाने पीने की बात तो ऊपर उठते नहीं है ये शेर, तो इससे अच्छा मैं सुना देता हूँ आपको। अच्छा सुनाओ सुनाओ, चुप रहे। अर्ज किया है, दिल में है तू है,
आंखों में है तू, दिल में है तू, आंखों में है तू, क्या मुंह है अथू। ये कोई शहर है? This is not a शहर। शहर मैं सुनाता हूँ, इधर इधर सुना दो, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा, अर्ज किया है? वाह, खबरदार अगर नजर डाली तो। हाय हाय हाय। आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह, अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी तरफ देखना नहीं है। शेर तो मैं अब सुनाऊंगा। अच्छा सुना, सुना। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह। अब मरो, अब कहो वाह वाह बाबा। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स, ये तो है मेरे पर्सनल नर्स। बस तो कोई किस तो अंदर से तो मुशायरा ही सके हैपनी किस तो। देखिए आप बस ये पता लगाइए कि इस बच्चे का बाप कौन है। अरे देखिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो अंडा देख के बता देता हूँ कि ये मुर्गी का अंडा है। मुर्गियों के व्योम के इस बख्शी, यहाँ पे इंसान के बच्चे का बाप पता लगाना चिकन नहीं ढूंढना। आपको नहीं लगता कि आप पुलिस को थोड़ा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? आपको कोई हल्के में ले सकता? ये क्या है? ये मेरी हंसी है, मैं हंस नहीं सकता। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, हमको जानने के लिए साइंटिफिकली ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। करो करो जी करो, मैथ के टेस्ट में तो हमेशा फेल होता है, देखते हैं डीएनए पास होता कि नहीं होता है। हां जी, चलो चलो डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट करो। हां हां करते हैं। पैन कार्ड निकालिए। पैन कार्ड? ये पैन कार्ड और डीएनए टेस्ट का क्या लेना देना? अच्छा कोई लेना देना नहीं है, फिर कैसे होता है आप बता दो। यू हैव एनी आईडिया? बच्चे के बिल को लेके 18,000 रुपए। तू खाना खाता है, लेके आके बेचता है, पकड़ इसको। हाँ जी बताइए कौन है बच्चे का बाप? ये है ना, ये भरेगा। देखो जी, मैं 10 रुपए लेके 10,000 रुपया मैंने नहीं भरना। पकड़ अपना 10 रुपए, मेरा कोई बच्चा बच्चा नहीं है ये। हाँ। मैं तो व्रत रखा हुआ। नहीं, आप क्या रखे ना आपका बच्चा पैसे? डैडी चलो भाई, चलो देखना डैडी। हाँ, चलो भाई, खाली हॉस्पिटल छोड़ने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ, मेरा कुछ नहीं। थैंक यू। अरे लेकिन कौन भरेगा तेरे पैसे, कौन भरेगा? डैडी 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 चाय वाला बोलो। बाजी, क्रिकेट का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना क्रेज है, इसका जीता जागता सबूत है आईपीएल। स्टेडियम भरे पड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, चीयरलीडर नाच रही है, एंजॉय हो रहा है। पर बाजी, इसका श्रेय आप सब तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इस खेल को कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। और इन्हीं में से एक ऐसे क्रिकेटर को आज मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनको ताउम्र बेस्ट बॉलर्स की जब भी गिनती होगी तो उनको याद किया जाएगा। मैं बुलाने जा रहा हूं, आपके बड़े खास दोस्त हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मिस्टर वसीम अकरम। वसीम बाजी, वेलकम। थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। लग जा गले मेरे दोस्त और मेरी दिलोजान बन जा, मैं तेरी गीता बन जाऊं और तू मेरा कुरान बन जा। क्या बात है। आ कुछ मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम करें, मैं तेरा पाकिस्तान बन जाऊं और तू मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है भाजी। अरे नजारा आ गया, नजारा आ गया। आ गया। कैसी लग रही है, छोड़ के गया था आपको? आप सर मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सांस तो लेने दो, 2 मिनट क्या हो गया?
पाजी कमाल लग रहा है आप पठानी सूट में यार. थैंक यू वेरी मच. जब भी आप आते हो मैं छोटा लग रहता हूँ. पर्सनैलिटी ऐसी है, तबीयत खुश हो जाती है. मैं ही नहीं अकेला, देख लो पाजी आपका जीता जाता सबूत है. जी बिल्कुल बिल्कुल. आते ही मतलब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा, आपने नया एडवेंचर शुरू किया. और आपको बताता चलूं, इंडिया में तो इनके फैन है ही हैं, दुनिया में भी हैं, मगर पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन बेस है. बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और आपको बड़ा प्यार करते हैं. वो कुछ कहना चाह रही है, उनको बहुत ज्यादा तेज आ रहा है. बात कुछ तो बात कहनी. वसीम जी आपसे मुझे कुछ कहना है. 20 साल पहले आप इतने हॉट थे, आज भी हो. हाय हॉट क्यों बोल रहा है, आपका हाथ जला दिया था इन्होंने. नहीं हॉट थे, ये वो वाला हॉट है जिसमें हाथ नहीं जलता है, दिल जलता है. क्या बात. और वसीम जी आप जब भी बॉलिंग करते थे और जब भी आपके बाल उड़ते थे और जो आपके बाल देख के हम लोग घायल होते थे, आज भी मैं आपके बालों को हाथ लगाने चाहती हूँ. मैं टीवी में लगा देती थी हाथ, आज मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली हाथ लगाना चाहती हूँ. आप लगाइएगा हाथ, पूरा कंघी करिएगा बालों को. कोई बात नहीं, जंपिंग कर दूंगी सर. आराम से जुएं भी निकालिएगा आपका पूरा. दो मिनट आदमी को चाय पानी तो पूछ लो यार, वो तो आ भी गई, उन्होंने पूछा भी नहीं. आइए जी आइए, बिल्कुल आइए. बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके. प्लेजर मीटिंग यू. वेरी ग्रेट. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू. इंडिया को कभी सिखा रहे हैं, इंडिया के खिलाफ गाल खींचने और मेरे पहले बड़े निकल रहे हैं. आज हो क्या रहा है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो. थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. हां जी हमें लूट लो, सबको लूट लो, हमला कर दो. अरे जी जी जी. थैंक यू मैम. मैं कौन सी? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वेरी हैंडसम एंड वेरी हॉट. मैं भी हॉट. यू नो आजकल लोग कई दफा एक्साइटेड हो जाते हैं. और अदर डे मुझे एक 60 साल के बुजुर्ग मिले. मुझे कहते जब मैं बचपन में आपको देखता था तो बड़ा खुश होता था. मैंने उन्हें कहा आपकी उम्र कितनी है? कह रहे जी 60 साल. मैं कह यार मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 100 साल का नहीं हूँ कि आपके बचपन में. नहीं प्यार है लोगों का. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए. अच्छा वसीम भाई की लड़कियां तो फैन है, मैंने देखा है इनका करिश्मा ऐसा है ना. तो आस पास आए, मैं अभी अभी वानखेड़े में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा जहाँ पे आप बैठते हो ना वसीम भाई, डग आउट. हाँ तो चीयर लीडर बिल्कुल आपका व्यू बड़ा अच्छा है, जैसे सीवी होता है ना इनका, चीयर लीडर व्यू मिलता है इनको. तो ये आपने बोल के बिठवाई होती है अपने पास, जगह दिलाई उनको. बिलीव मी ये मैं नोट कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में चीयर लीडर्स प्लेयर से कम तो 3 मील दूर होती हैं. उनको नहीं पता बेचारों को. नहीं हमें टीवी पे नजर आती है जैसे तुम लोगों को आती है. तो मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास होती नहीं वैसे? नहीं वो एक तो अब आई थिंक वो प्लेयर्स की पार्टीज में भी नहीं आ सकती, पहले आती थी तो अब मना कर दिया उनको. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए. अच्छा पाजी उनकी टाइमिंग मैंने देखा है बड़ी कमाल की होती है उनकी. कैसे? वो ना ऐसे एक बार नाच के आ गई ना ये वो, हाँ. तो फिर वापस आ गई, हाँ. तो फिर आके बैठ जाती. अच्छा जैसे प्लेयर ने बॉल डाली ना, तो बैट्समैन ने हिट किया, बॉल हवा में होती है, उनको आइडिया लग जाता है कि सिक्सर होने वाला है. जब तक बॉल बाउंड्री पहुंचती है वो भी पहुंच जाती है. ये बड़ा इंजॉय करती है. उनको उनको विराट कोहली बड़ा परेशान करता है, वो बैठती नहीं हवा में रहती है. उनको होता है कि अब गए. क्रिस गेल उनको बड़ा तकाता है. तो कुछ प्लेयर्स हैं जो बेचारे छह लीडर्स के पूरे पैसे वसूल करते हैं. जो विराट समझ में नहीं आता आईपीएल में किसकी तरफ से है, वो हर चौके छक्के पे इंजॉय कर रही, भाई की शादी हो रही, पता नहीं. चलो पर वसीम भाई मेरे मन में एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आजकल. वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से क्यों नहीं जीत पाया? एक पाजी फैक्ट है. वैसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ वर्ल्ड कप में. हम कहते चलो यार तुम भी थोड़ा कुछ जीत लो. नहीं मगर ये क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ या जिस चैनल के लिए भी काम करता हूँ, वर्ल्ड कप हो जाए सही, वो ये क्वेश्चन पूछ के सत्यानाश ही मार देते. इनको पूछो 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे, तो वसीम भाई इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान गया मैच हार. तो अगले दिन जब फ्लाइट हुई तो बाकी सारे पाकिस्तान गए, वसीम भाई इंग्लैंड गए. नहीं पाकिस्तान से फोन आया पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाए. तो मैं कप्तान था तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई. तो यही रीजन था आपने ससुराल ऑस्ट्रेलिया में चुने जाके.
अभी भी रिसेंटली एशिया कप में जब पाकिस्तान टीम हार गई तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या और बोल रहा है सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो, ले 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तू इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, पता नहीं। खैर वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे, वसीम भाई आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाएंगे। अच्छा बाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमामुल हक इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं। इंजी ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना हो। हाँ, हाँ, आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इंजी ने देख लिया ना ये, इंजी स्ट्रॉन्ग भी बड़ा है। और एक बार ना वो इंजी ने जो जब वो शोर शराबा हुआ था वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ। तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है, यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन नजरात थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे, इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है 6 फुट 3 इंच का, भाई तू देख के ले भला। अब इंजी ने 12th man को बुलाया, 12th man गया, मोहम्मद हुसैन हमारा एक क्रिकेटर था बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th man ने नहीं सोचा यार 3rd man पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए। 12th man गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया, इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वॉज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था, मैं इंजी के पास गया, मैं कह इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के, कह रहा है वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली, है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कहीं पे तो मैच हो रहा, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा। हाँ। तो बोलते लड़की आ गई पूरे कपड़े अपने निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे जब मैं बैचलर था 92, तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई, मैं तो दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ। वो भागी, उन्होंने शर्ट कोई बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलियो पकड़ लिया उन्होंने, मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वसीम भाई जब अभी ना मैच देखने गया ना मैंने, तो वो टीम मीटिंग होती ना मैच को पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे हडल 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 आते हैं, एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो। अच्छा मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदे हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती, मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं मोटिवेट। देख देख पीछे पीछे इसके भविष्य वाली देखी जरे कौन सी उसकी तरफ ना, वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है। कपिल ये बात हमारे दौर में होती थी, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे यार। एक टूर पे वकार बड़ा नॉटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े वी वर 75 देन, 89। तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए। हम कर्फ्यू वर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे, पार्टी वार्टी करके आगे। आजकल के बच्चे कुछ कर नहीं सकते, ये ट्विटर पे गया तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है। आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी अगर तू सुन रहा है यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था, अल्लाह पाक की कसम इसी में था नहीं रहा। जब कैलकटा में शोएब बिकेम शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था, मैं कहता हूँ नाइट क्लब नहीं जाना करे वसीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है।
मैंने भाई से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया। नानी हाँ? अरे वसीम अकरम आया है यहाँ पे। अरे तुझे दिखता नहीं है, सचिन आया है। सचिन सचिन अरे बोल बोल के बहुत थक गया होगा, ले मुंह मीठा कर ले। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है कि अभी एक्चुअली बच्चों के लिए दे दो। अच्छा? लेकिन कहाँ से लेगा, मेरा मुंह में डाल दो बच्चों के लिए। हाँ तू अपना मुंह आगे ला, एक मिनट ये रख ले तू। भाई मेरी ना नानी को थोड़ा कम दिखता है, ऑपरेशन करा, खराब हो गया ना। ये हमारा पड़ोसी है मोहन, ये झूठ बोल बोल के ना बेचारी को लूटता रहता है। ओ कोई सचिन नहीं है बाजी, ये सचिन सचिन। क्यों बे नानी, इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई तूने? अरे बुढ़ाओ शोर क्यों नहीं मचाऊंगी, तुझे पता है सचिन आया हमारे घर। अच्छा सचिन आया, तेरे घर पे धूप नहीं आती, सचिन आया। अरे अकरम साहब क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? भाई जी ठीक ठाक है, कोई भी इलाज करवाना हो, टीका लगवाना हो, दवाई लगवानी हो, साइकिल पेंचर लगवाना हो, मेरे से संपर्क करें आप। बस मेरी आंखों का ऑपरेशन ना करना भाई, जो मर्जी कर देना। नानी यहाँ देख। किधर? इधर देख, वसीम अकरम आए। क्या वसीम आया है? एक मिनट, एक दो तीन। नानी इधर है सोफा। इधर बैठो, इधर देखो। हाँ आपको पता है हमारे घर में दो दो महान क्रिकेटर आए हैं। कौन? मैं, अरे वसीम और सचिन। हाँ हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ एक एक एशिया कप हो जाए। अरे वो अभी नहीं है, वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि सारा कप झूठा हो गया है। नानी हाँ? तेरा सचिन साउथ इंडियन बोलता? अरे वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देर पहले मैं इडली खाया था, इडली इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ये मुझे क्रिकेट सिखाएगा मुझे। आ जाओ बाबा पीछे में, आ जाओ पीछे में। किधर? इधर इधर। ये बल्ला है, कुछ तो दे, घुमाऊंगी क्या। हाँ वो क्या है, चल डाल। रेडी? हाँ हाँ। अरे वाह क्या शॉट मारा है। अरे चार रन, वेरी गुड शॉट। अच्छा था। नानी 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 नानी, जरा बॉल ढूंढ के आओ। बॉल? हाँ मैं मारू, मैं लाऊ? यस गो गेट इट, ये भी अच्छा है, गो गेट इट, पकड़। ऑल द बेस्ट। ये तो पकड़। अबे पेड़ा पेड़ा, वो वर्ल्ड कप याद है 2003 वाला? अरे ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ, मैंने आपको ऐसा पॉइंट के ऊपर मार के छक्का मारा था। मुझे नहीं भाई, वो शोएब अख्तर को मारा था। लेकिन शोएब तो कह रहा था कि मैंने आपको मारा करके। ओ कोई बात नहीं, मैं बॉलर लोग के बीच में भेदभाव नहीं रखते ऐसा। वो मैच याद है जिसमें 10 विकेट गिर गए थे? हाँ ऑफ कोर्स याद है, मुझे 10 विकेट गिर गए थे, उसके बाद में ग्राउंड में आया था। 10 विकेट गिरने के बाद कौन ग्राउंड में आता है? अरे स्कूटर का चाबी घूम गया था, वो ढूंढने आया था। चलो ठीक है, आप सचिन है ना आज? यस यस। आप सचिन है तो आप यहाँ वसीम अकरम भी, आज एक मैच हो जाए। चलिए। अरे अरे मेरा भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। कोई बात नहीं, संन्यास वाली गेंद डाल देना। अरे छोड़ दे यार, काय काय को ऐसा खाली। चलो आओ। अरे नहीं आयो मैं। आओ खेलो खेलो। अरे डैडी को सर स्टेशन में रिसीव कर रहे हैं ना आप, असली सचिन है। चलो मैं बॉल, क्रिकेट का बॉल देना यार। क्रिकेट वाला बॉल, हैवी वाला, हैवी वाला, हैवी वाला बॉल देना। क्रिकेट वाला टैप हार्ड पत्थर जैसा आता है, पत्थर। अरे 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 कड़वा कड़वा अरे 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 मम्मा ये भाइयों यंग रेडी रेडी सर मार गया, पकड़ा गया। अरे गुड अरे गुड। अरे आजा जल्दी।
गुजारे कुछ दिन हमारे टॉयलेट में माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस आजकल किसका इलाज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है। अरे क्यों डॉक्टर साहब, इधर बैठिए ना आप। अच्छा बैठिए आप, आराम से बैठिए आप। तो यहाँ से कौन बिठाता है भाई? तो ऐसे किसी के घर में कौन आता है थोड़ा लेके? बैठिए बैठिए, उधर बैठ जाइए। उधर आमने सामने बैठ के बात करिए, इधर बैठ जाइए। गुलाटी इधर से पास पड़ते हैं। बैठिए बैठिए, यहाँ पे बहुत आराम से बैठिए अभी। जहाँ मर्जी बैठ जाओ आप यार। ओके अकरम साहब, आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएंगे? जो दिल करता है कर दीजिए। नहीं नहीं, वो वसीम भाई फिट है, उनको क्या करना है? मैं क्या करना है? डॉक्टर तुम लोग मैं हूँ। एक मिनट मैं बताता हूँ जी। जी आपका सिटी स्कैन आई थिंक विल बी बेटर। हाँ एक मिनट खड़े होइए अकरम साहब। हाँ आपका सिटी स्कैन करते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, मुबारक हो, आप ठीक हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। दो 500 दे दो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे 2 500 दे देंगे तो मैं आपका वसीम भी ठीक कर दूंगा, अकरम भी ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब वसीम अकरम ये दोनों यही है, यही का नाम है वसीम अकरम। यार हम अपना काम बढ़ाने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं, तुम जब से मोहल्ले में आए हो हमारा काम खराब कर दिया। क्यों याद आ गई तुम्हें तुम्हारी नानी? यार बताओ मुझे, बताता हूँ आपको मैं क्यों याद आ गई। एक मिनट फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही है, मेरे को पता है। एक मिनट अकरम साहब, लड्डू सच्ची है इसके अंदर बताओ। अब मैं कबाड़ी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये मैं अगली एंट्री नहीं आना है। अकरम साहब मिलते हैं। वैसे तो दुनिया भर की लड़कियां वसीम भाई पे मरती हैं, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं जिन पे ये मरते हैं। अरे वाह, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए मिसेस शनैरा अकरम। हेलो, वेलकम, थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। Can I call you Bhabhi? Yes, everyone does. Bhabhi. In Australia, what they call Bhabhi? I mean, Paji, batao na thoda. Bhabhi ko kya bulate ho udhar? Sister-in-law, I think. Okay. I think so, yeah. So, Bhabhi, you are welcome. Thank you. Thank you very much. You are coming first time. New show. बाल बाल बचे हैं। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? थोड़ी 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 ना, सेम हियर, इवन आई नो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी। भाई मेरी जिद थी, मैंने कहा भाभी को भी लेके आना, और अभी समय नहीं आ रहा क्या करें। बात पूछनी थी आपसे, भाभी को थोड़ी थोड़ी आती ना हिंदी, ज्यादा तो नहीं आती ना? थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान जी, यहाँ की जो बीवियां होती हैं शक करती हैं ना, या ये भी करती हैं? हाँ ये करती हैं शक।
Today, the women here in India, in subcontinent, they... Do you doubt him? Doubt their husband a lot with affairs. Bobby, you know, when you were outside... That's all over the world, though, isn't it? Yeah. Oh, nice. You know, jab main shaadi kar raha tha, when I was getting married, I thought I'm marrying an Australian, so, you know, it'll be different. But end of the day, aurat aurat hi hoti hai, kisi mulk ke bhi ho. And it would be women at the same. From doesn't matter which culture, which countries are they from. After saying that, it's going to be very difficult. Hey! You know, the best relationship, saas or bahu, is my wife and my mother. My mother is Punjabi. Unko doesn't wohi... speak a word of English. Achha. She doesn't speak a word of Punjabi. So my mother just say, love you, love you, love you. And what you say? Love you back. Love you, Didi. Achha, ye best combination hai. Saas ko bahu ki baat nahi samajh aa rahi, bahu ko saas ki ladai honi nahi. Bilkul. Absolutely. Jiska jo dil karta bol jaye. कभी कभी इशारे गलत भी हो जाते हैं yeah. मान लो अगर कहीं आपकी वाइफ ने आंटी से पूछना हो कि मैं बाहर जाऊं yeah. तो आंटी को लगे मैं क्यों बाहर जाऊं तू जा गलत भी हो सकता है भाजी इट्स डिफिकल्ट तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान खाना बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा मैं पाकिस्तान है तो आपको इतनी हिंदी आती मेरे को पहले बता दो मेरा मुंह टेढ़ा हो गया बोल बोल के Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, all such amazing people and so polite and then just, it's just an honour to be in your country. Thank honor, you. Honour, thank you. It's same to you. Why can't lamba kaun bole? So, Paji, aapne inko propose jab kiya tha, एक नॉर्मल आदमी की तरह किया था कि जैसे क्रिकेटर करते हैं नहीं आई वाज व्हेन आई प्रपोज्ड हर आई बॉट अ रिंग अब वो टाइम गया कि माँ से पूछूं कि जी शादी करनी है रिश्ता ले जाए तो फिर मैं घुटने पे गया फिर 15 मिनट बाद घुटने से उठा घुटना दर्द करने शुरू हो गया वो आई नील डाउन एंड प्रॉपरली कहा विल यू मैरी मी एंड शी स्टार्टेड लाफिंग ये कहां से सीखा आपने फिल्मों फिल्मों ये तो लाहौर में होता ही नहीं है मुझे लगा मे बी इन्होंने कहा हो कि लेट्स स्टार्ट इनिंग टुगेदर है ना वी विल मेक इक्वल रन्स एंड वी विल प्रोड्यूस सम लिटिल लिटिल 3 और 4 रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं यार कैसा हमारे भाई ने जब प्रपोज किया तो कैसे किया होगा बस मैं ऐसे थोड़ा घुटना हवा में रख लो चलो कोई चलो एक बार दोबारा हो जाए चलो ना वी वांट टू रिक्रिएट द मोमेंट Don't do it again. He couldn't get up last time. ये तो पिछली बार उठा नहीं गया था. Okay, I will do one thing. I will place a cushion. आइए सर. पूरा गुलदस्ता ही दे दो पाजी. Yeah. बाद में फिर यहीं लगा लेंगे. इजाजत है पाजी. मैं क्या ना टका के पाजी. एक मिनट. I said, baby, will you marry me? Oh. Thank you, and then I laugh. Yes, and then she laughs. Whoa! The truth is, I'd marry him a million times if he asked. Hey! A million dafa bhi kehte to main tere se shaadi karti. How sweet. अच्छा खांसी में भी बड़ा फर्क होता है ना पैसे वाले लोग हैं ना ये बड़ी बड़ी गाड़ी में वो इतनी खांसी आती हमारे मुंह फाड़ के कहीं तो जुबान बड़े गंदे गंदे मुंह बनते कहीं होंगे अब देख लो अंग्रेज लोग छींकते भी हैं तो क्या बड़ा छोटी सी हाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में इफ समबडी विल स्नीज इन ऑस्ट्रेलिया ही विल स्नीज लाइक In our country, we make faces before 15 minutes before. Uh-huh. We will try to build a plot. Like... It's very... That's true. It's very difficult to sneeze in Asian countries. Achha, Japanese log to aur bhi bada tight cheekte hoge na? Japanese. बड़ी महफिल में मीटिंग में भी कर सकते हैं
हेलो वसीम भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल जी चाल भाभी, नमस्कार, कैसी हैं आप? ओए हाजी भाभी, तू कैसे तू ज्यादा रिश्तेदार बन रहा है? बोल मालिक मालकिन बोल तू क्या तू? अच्छा पाजी, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब एक फॉरेनर और एक फॉरेन जाने वाला बंदा बात कर रहे होते हैं तो बीच में स्ट्रीट लेवल के बंदे बात क्यों करते हैं? ये जाएगा फॉरेन पाजी, इसका 4 बार वीजा रिजेक्ट हो चुका है भूटान का। भूटान का? इस बार तो ना जो ऑफिसर था ना उसने इसके मुंह पर रिजेक्शन मारा। पाजी ऐसा कुछ नहीं, हंसाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर भी ये बोल दिया कि मुंह पे ठप्पा लाया, जहां असली लगाया था ना, मैं बता दूं ना, हंसी फिर ज्यादा आएगी। खैर बाबी जी, आप चाय के साथ क्या लेंगी? यस प्लीज। ओए वो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लिश में बात कर। ओके आप चाय के साथ क्या लेंगी? ये कौन सी इंग्लिश, ऐसे कौन बोलता है? क्यों, मैंने लगान पिक्चर देखी है, उसमें सारे अंग्रेज ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे। वेल भाभी जी, व्हाट वुड यू अपना चाय के साथ क्या लेंगी? शक्करपारा, मठियां, नान खटाई? कुछ नहीं शुक्रिया। नान खटाई भी नहीं? यू नो अबाउट नान खटाई? हाँ। नान खटाई इज जस्ट लाइक बिस्कुट। हाँ। इट इज बिस्कुट, बिस्कुट चीनी चाय में डालकर, ज्यादा देर डालो तो उसका नीचे वाला हिस्सा बीच में गिर जाता है। मेड अप ऑफ मैडा, मैडा मीन्स कजन ऑफ आटा। एंड इट हैज गॉट स्वेलिंग प्रॉब्लम लाइक and lives in Mardaban for the 5 years. Like he lived in a pipe for 10 years. Now you know he has a huge fan following in rats and mosquitoes. Shut up, go and die. Okay, you shut up. Baba ji, main bhi lekar aata hu chai aapke liye. And da 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 da. कपिल शर्मा, तुम्हारे भैया से लड़ाई हो गई हमारी। कोई नहीं, मैं फोन करके समझा दूंगा, इतना मूड नहीं खराब करना। वो फोन नहीं उठाएंगे। क्यों? बेहोश है ना, हमने ईंट दे के मारी थी उनके मुंह पे। अरे वाह, अकरम साहब बैठे हैं, मिसिज अकरम भी आए हैं। हमको रिंकू कहते हैं और ये जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, उठो को ताली कहते हैं। आपको स्विंग का सुल्तान कहते हैं और हम आपको हाउ डू डू कहते हैं। बस करो ना भाभी, कितना बोलती जा रही हो। अच्छा क्यों ना बोले, हम तो बोलेंगे। अरे भाई तुम कह रहे हो ना बोलो, हमारे पति कह रहे ना बोलो, हम नारी का आवाज दबा दोगे क्या? आवाज तो तुमने खुद ही दबाई हुई, वरना हमको पता ही कैसी है। हम आपके बहुत फैन हैं। थैंक यू। हमारे पास ना ये देखो, आपका एक फोटो भी है, दिखाइए। ऐसी हरकतें तो अपने पति के साथ करनी चाहिए तुम्हें। नहीं, वो बहुत बदतमीज आदमी है, पता है क्या करता है? क्या? हमने उसे कहा हमको गर्मी लगती है, हमको एसी ला के दो, तो हमको ला दिया। हमने कहा पंखा ला के दो, ला दिया। मोबाइल ला के दो, ला दिया। तो अच्छी बात है ना। अरे हम जैसी औरत की सब बात मान रहा है, उस आदमी का स्टैंडर्ड क्या होगा बताओ। पति को थोड़ा जलाओ अपने को, स्टोव पे रख दे। अरे उसको जेलसी होगी ना, मतलब। अच्छा वो वाला, और की तरफ देखो, उसको जेलसी होगी, फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अच्छा एक काम कीजिए, यू गिव योर हस्बैंड टू मी 10 मिनट के लिए, हम किसी का एहसान नहीं लेते। ये हमारे साइकिल की चाबी रख लो, लो पकड़ो, रखो, आओ जलाते हैं 10 मिनट हमारे। 10 minutes, giving me away. आ जाओ, जला देते हैं। जी, best of luck बाजी। हेलो
बस कह दिया उसने भी बीवी ने। कहते हैं झुक झुक के रहते हैं। रुक रुक के कहते हैं झुक झुक के रहते हैं। दिल का मिजाज इश्किया दिल का मिजाज इश्किया। तन्हा है लोगों में लोगों में तन्हाई। दिल का मिजाज इश्किया You don't need to be jealous. She's not pure. Hey, Kapil Sharma. Real, ha. Jara chup raho. Badtameez pure pure kya? Pure shuddh desi ghee khate hain. To kya kisi ke pati ke dore dalte ho? Acha lagta hai? Are koi baat nahi, bharpai kar dete hain. Suno bhabi, idhar aao. Are sun to lo. Are sun to lo hamari baat. Dekho. Hum tumko gaana sikha dete hain, aao. चम्मच पकड़ लेती हो? Can you hold the spoon? You just have to hold like this and it'll do the ta 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 on that. You sit on the chair. ऐसा ऐसा करना है। हम बजाएंगे इसको, ठीक है? हमको बजाने तो दो। हाँ, why not say four? You have to do that. Okay. I know this song. I'm sure. एक और गाना है और सिखा दें तुमको, हमारे पीछे पीछे बोलो, ठीक है? No. Okay, ready? My husband can sing. No, I can't. हमारे अंदर का पुरुष चाहता है कि आप ही गाएं। I bought a mobile. You sing. I bought a mobile. English ballon. This is peer group pressure. What? This is peer group pressure. It's not bigger than India-Pakistan match. Say, so I bought a mobile. A mobile. Sing. I bought a mobile. No. तो ठीक है, bought a mobile तो हम आपको SMS भेजते हैं थोड़े दिनों में, ठीक? Sorry, yeah. No problem. चलो अब हम चलते हैं. जब भी आपको हमारा याद आए, तो ऐसे ऐसे कर लीजिए. अल्लाह रहे. सॉरी भाभी, आई डोंट थिंक शी लाइक्स मी वेरी मच. वसीम भाई के बारे में सब जानते हैं कि ये डायबिटीज को लेके लोगों को बहुत अवेयर करते हैं, और शनैरा जो है वो भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं. सो मुझे लगता है कि ये हमारे आइडियल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. हम लोगों को भी जब कभी किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी वजह से किसी और का भला हो सके. सो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू वसीम भाई. थैंक यू. थैंक यू शनैरा, आप लोग हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा. जाने से पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है. जी जी बिल्कुल. थैंक यू. प्लेजर बाजी, आप जब भी आते हैं हमेशा चार चांद लग जाते हैं बाजी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. आइए बाजी. हाँ जी. आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन एक्टर के साथ मिलाना चाहता हूं जो हिंदी फिल्मों में तो धूम मचा ही रहे हैं, साथ साथ पंजाबी फिल्मों में उन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई है. बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, बड़े ही हैंडसम हैं, और आज वो हमारे शो में आ रहे हैं अपनी पंजाबी फिल्म बैसाखी लिस्ट के लिए. सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हैंडसम मैन वर्सेटाइल एक्टर जिमी शेरगिल के लिए.
पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। जिमी पाजी की फिल्म जो है बैसाखी लिस्ट वो रिलीज हो चुकी है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं पाजी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद उसके लिए। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी, इससे पहले कि वी गो अहेड, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। आप लोग जो कर रहे हो ये चीज पता नहीं, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, शायद कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं कि इस बात को सोच के कि इंसान को सोने से पहले अगर आप लोग हंसा सकते हो और वो चैन की नींद सो सकता है। सिर्फ हमारे देश में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया भाजी, थैंक यू। और मैंने ऐसी ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज देखे हैं जहाँ पर कि साउथ ईस्टर्न पीपल आर वॉचिंग योर शो एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई थिंक वॉट यू हैव अचीव्ड, आई डोंट थिंक एनीबडी इज, आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ओवर हियर एंड थैंक यू फॉर हैविंग। प्लेजर प्लेजर। भाजी आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे, आपका कोई गॉडफादर था या आप अपनी मेहनत से कैसे आए आप? मैं एक फिल्म देख रहा था जी और उसमें मिथुन दा जी जी वो एक गाना गा रहे थे आजा 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 डिस्को। वो फिल्म देखने के बाद मैंने ये कहा कि इतना बड़ा आदमी मुझे बुला रहा है। तो मैंने सोचा कि अब जाना तो बनता है। भाजी मैंने कभी इनका कभी किसी के साथ अफेयर नहीं सुना आज तक, कभी आज तक कोई लफड़ा नहीं सुना पाजी। नहीं ऐसे पाजी आप सच्ची में शरीफ हैं कि कभी पकड़े नहीं गए? मैं इसीलिए भाग रहा। पाजी आपकी फिल्म में सुनील ग्रोवर नाम का एक आदमी भी है, पागल सा क्या चल रहा? सुनील ग्रोवर हैं आप? डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं हो रही, हम लोग बोल रहे हैं सुनील ग्रोवर नाम का आदमी किनकी फिल्म में है, बड़ा बेकार आदमी। देखो मैं द कपिल शर्मा शो, सुनो मेरी बात। तुम ना इनको कुछ भी कह लो पर सुनील ग्रोवर को कुछ नहीं कहना, ठीक है? मैं यहाँ पे जान दे देनी है अगर सुनील ग्रोवर को कुछ कहा तो। He is a very nice gentleman. क्यूट बंदा, क्यूट, वेरी गुड नेचर एंड जेंट्स लेडीज बहुत कंफर्टेबल। पिक्चर में रोल बड़ा जबरदस्त किया उसने, बड़े परफॉर्मेंस। आप कैसे जानते हैं सुनील ग्रोवर को? हमारा राशन कार्ड सेम है ना। एक बार जिमी पाजी के लिए जोरदार तालियां और सुनील ग्रोवर के लिए रहने दो। सुनील ग्रोवर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ मारो। जिमी पाजी के साथ सुनील ग्रोवर भी एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, वैसे तो लोग ऑलरेडी इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने अभी नहीं देखी वो जाके देखे और एंजॉय करें अपने परिवार के साथ। थैंक यू सो मच जिमी पाजी शो में आने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए। डॉक्टर साहब सुनील ग्रोवर इज अ गुड मैन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। मान गया। चलो जी आप सब लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुदगुदाते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। चंदू बेटा मेरे लिए एक मस्त चाय ले आ बेटा, आजकल तो सब्जी लाने में भी थकावट हो जाती है। बोलो तो सब्जी वाले को पैसे देकर लाया करो ना, भागना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है बेटा, जब तक लोग मेरे पीछे ना पड़ते ना मुझसे जॉगिंग नहीं होती है। नानी ये तुम्हारी उम्र है सब्जियां चुराने की, उस निकम्मे कप्पू को लगाओ किसी काम पे, कोई काम नहीं करता वो। बिल्कुल सही कहा तूने, उससे अच्छा तो उसका नाना था सिद्धू जी। बिल्कुल, कम से कम उसने शादी तो की थी, इससे तो वो भी नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करनी, शादी के बाद छोटी छोटी जिम्मेदारियां और बढ़ा देगा वो। एक काम करो तुम उसे ना मेरी दुकान पे लगा दो, दो चाय के कप और चार मटरियां तो मैं वैसे दे दिया करूंगा उसको फ्री में। कितनी मटरियां तू? तू सलाह देगा मुझे काम की? इसकी म्युनिसिपैलिटी ने डूडल गई, हमारा कुत्तों को अंडरवेयर पहनाने हैं। ये इतना करप्ट आदमी है, दो अंडरवेयर चुरा के ले आया, पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सेल था, कुत्ते का साइज मीडियम था, मुझे आ रहा था मैंने पहन लिया।
आपको पता भाई स्कूल में भी मेरे पीछे बैठता था। आई लव माई इंडिया का ऐसे हमें लिखने को आया। मेरे को पीछे बैठा था आई के स्पेलिंग बता। और इन्होंने बारी मेरे को आई के स्पेलिंग क्या बताए हैं, कहते लिख आ, आ को बड़ी मात्रा ई आई, और इनके चक्कर में मैं फेल हो गया। नानी खबरदार, तूने आज के बाद इसके यहां से चाय पी दो, मैं तेरी किसी अच्छे चाय की दुकान पे नौकरी लगवाता हूँ। मेरा मतलब तुम्हारा ताज होटल से जूस आया करेगा। ताज होटल से? हाँ। तू कब से वहां वेटर लग गया है? कितनी बार का छोटे लोगों के साथ खड़ी मत होया कर, तेरी सोच छोटी लड़ी आ रही है। बड़ा सोचो बड़ा, इन्होंने होटल खरीद लिया होगा। खरीद ही सकता हूँ, हॉलीवुड एक्टर कैन बाय एनीथिंग। तू कब से हॉलीवुड स्टार बन गया बच्चा? सपना देखा होगा ना, सपने में कोई कुछ भी देख सकता है। जैसे मैं सपने में देखता हूँ एंजेलिना जूली। अदरक तेरे से बोला नहीं जाता, उसको अदकर बोलता है तू। तेरे को एंजेलिना जूली का नाम किसने बताया? एंजेलिना जूली नहीं जॉली होता है। पेपर पढ़ दे रहा क्या? ये देख क्या लिखा है, अमेरिका में आवारा जानवरों के लिए मुफ्त लंगर, वीजा ले ले। ओए इधर देख, हमारे मोहल्ले में हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कास्ट करने। अच्छा। तो परी मोहल्ले में आ रहा है ना, इनके घर तो नहीं ना आ रहा, मैं भी तो सिलेक्ट हो ही सकता हूँ। ओ ना बेटा, ना ना ना, पहले पंजाबी फिल्मों में बराबर से रिजेक्ट तो हो जा, उसके बाद हॉलीवुड फिल्म में रिजेक्ट होने की सोचना। नानी इसको क्या बता रही है, इसको तो ये भी नहीं पता हॉलीवुड के चाय वाले भी सूट वूट में घूमते हैं। तो मैं भी सूट पहन लूंगा, मैं भी हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा। वैसे पाजी मेरे नाम के साथ क्या जचता है, चंदन डी कैप्रियो या चंदू हैंक्स या फिर चंद पचीलो? तेरे नाम के साथ शूट करता है चंदू एग्जिट, दबा जा। बदतमीज आदमी। कोई बात नहीं, चंदू हैंक्स। सूट वाले तो उधर कितने घूमते हैं, वो ढूंढते हैं चाय वाले ऐसे ऐसे वैसे करेक्टर। समझा कर, मैं बन के आऊंगा, मैं मिलूंगा हॉलीवुड डायरेक्टर से। तू बनेगा? यस। अरे वाह, मेरा कप हीरो बनेगा। हॉलीवुड डायरेक्टर हम हैं। yes. हम इंडिया में एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने आए हैं, हमें एक रियल एक्टर की तलाश है। तुझे एक्टर की जरूरत है ना? हाँ। तो चाय वाले को ले लेना। हाँ, फिल्म हिट हो जाएगी। रुक, मैं अभी उसे भेजती हूँ। चाय वाला, याद रखना, चाय वाला बढ़िया एक्टर है। चाय वाले। सिद्धू साहब, इस मोहल्ले के लोग बहुत लालची हैं। और अब आप देखना, ये एक्टर बनना चाहते हैं ना, हीरो बनने के बहाने में इनको वो बनाऊंगा। क्या वो? इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये याद रखेंगे। Bound. Bound? James Bond. Chandan 007. चल भाग यहाँ से। मैं तुमको कह रहा हूँ, चल भाग यहाँ से। हाँ। मैं हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरा ऑडिशन ले लीजिए। मैं तुम्हारी शुभकामनाएं ना लूँ, हॉलीवुड का ऑडिशन ले लीजिए। तुम्हें कुछ देना ही है, 50,000 रुपए दे दो। सर 50,000 किस लिए? ये बात सोचने के लिए कि तुम हॉलीवुड स्टार बन सकते हो। और नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? नहीं। तुम्हें हमारा दफ्तर धोना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ और ही समझ रहा था। एक बात सुनो, तुम फिल्म में काम करने के कितने पैसे लोगे तुम? हाँ, मैं 5,00,000। 5,00,000 बहुत कम मांग रहे हो, हॉलीवुड फिल्म है, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको।
50 लाख बहुत कम है, है? और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नहीं नहीं ये तो मैं अपने बॉय के बता रहा था, वैसे मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा। सिर्फ 50 करोड़ रुपया? नहीं 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 ये इंटरवल तक के बता रहा था मैं, पूरी फिल्म के तो मैं इससे डबल लूंगा, 98 करोड़। बस बस सर आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ लेकिन तुम बहुत देर से समझे। मैं लिख लेता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। लिख तो आप ऐसे रहे जैसे आप डॉक्टर हैं। हॉलीवुड में ना डायरेक्टर एक्टर सब पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा। हाँ डॉक्टर इंजीनियर से कोई कम नहीं होता है। अच्छा ये मैं सबको बात बता दूं, असल में हमें चाय वाले पे फिल्म बनानी है। क्या है कि ऐसे वाले हमारे देश में ओरिजिनल मिल जाते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको एक ओरिजिनल चाय वाला चाहिए बस। इसे चाय की दुकान वाले को जानते हो? क्या क्या बाजी? मैंने सोचा था कभी ना मेरा दिन आएगा। और डायरेक्टर साहब आपको पता भी है वो चाय वाला मैं ही हूँ। आपका मुंह लुंगी जैसा है तो मैं आपको सूट पहनने के लिए क्यों कहूंगा साहेब? आप चाय पियेंगे साहेब? हाँ हाँ भाई जरूर पियेंगे चाय, क्यों नहीं पियेंगे। अभी तो आपका एक्सेंट कुछ और था। हाँ हाँ जब लोग कम लाफ्टर दे रहे हो तो फिर एक्शन चेंज करना चाहिए एक्टर को, समझ रहे हो? एक्टिंग के बारे में नहीं जानते। हाँ तो हम कह रहे थे कि हम चाय वाले के ऊपर फिल्म बनाएंगे और पिक्चर का नाम होगा चाय वाला वा रियल हीरो। लेकिन सर रियल चाय वाला मैं हूँ। देखो जी जी भाई पिक्चर में रोल मांगने के लिए झूठ मत बोलो तुम, चाय वाला यही है। अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम असली में चाय वाले हो तो जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चाय मैं अभी बना कर लाता हूँ। सुनो केसर पिस्ते वाली बना के लाना। काजू बादाम ले आऊं? नहीं नहीं काजू मेरे को थैली में डाल के अलग से दे देना। वैसे सर आपका नाम क्या है? हाँ तुमने स्पीलबर्ग का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। अच्छा वुडी एलन का? वुडी एलन का भी सुना है। जेम्स कैमरामैन का? उसका भी सुना है। तो फिर कैसे होगा भाई? छोटू लाल मिस्त्री का नाम सुना है? छोटू लाल मिस्त्री नहीं सर ये नहीं सुना। मैं हूँ। सर एक बात बताइए आप हैं हॉलीवुड के, आपका नाम देसी कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या है कि हम हॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करते हैं। अच्छा थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी टाइटैनिक। हाँ हाँ उसकी हमने बनाई थी, नैया डूबी पानी माँ छोरा मगन जवानी माँ। अच्छा 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 और वो स्पाइडरमैन सैया भैल जालीदार। और जुरासिक पार्क। अच्छा उसका पार्क में जान खातिर गुर्दा चाहिए। और सब बढ़िया आप सुनाइए। आप हमें लेके फिल्म कब शुरू करेंगे? चलिए अभी आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। चलिए पहले एक काम कीजिए 50,000 रुपए लेके आइए एज ए डिपॉजिट। 50,000 रुपये मतलब किस बात का? तुम्हें हीरो बनाएंगे भाई उस बात का। सर ये लीजिए। ये क्या है भाई? ये हमारा खानदानी लोटा है 400 साल पुराना। मैं 400 साल पुराने लोटे का क्या करूंगा भाई? अरे ये बड़ा मशहूर लोटा है, आपको पता नहीं ये लौटता नहीं है, आप पता नहीं कैसे लौटा है। मैं आपको अपनी खानदानी बाल्टी लाकर देता हूँ। और यार क्या लगा रखा है खानदानी बाल्टी लोटा? मैं लोटा बाल्टी लेकर फिल्म बनाऊंगा। कौन है? ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। यस डायरेक्टर साहब ये लीजिए मेरे माँ के गहने। नाउ शी हैज नो कैलोरी बिकॉज़ शी हैज नो ज्वेलरी। देखा
हीरोइन बनने के लिए माँ के जेवर लेके आई है और ये क्या ले गया है? ये बाल्टी जे लोटा, ऐसे थोड़ी ना होता। अब हमारे बुजुर्ग जो छोड़कर गए वही लेकर आएंगे। मेरे दादाजी छोड़ के गए 20 लाख का कर्जा, आप कहें तो आम के नाम कर दे। Shut up! मैंने देख लिया तुम दोनों में पैसे ही नहीं है। पैशन तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। ऐसे यार किसके खाए पिए और किसके, मतलब eating, biting and escape. No honey, no money, so funny. मैडम एक बात बताओ, अगर बारिश हो गई हमें अपने जूड़े के नीचे बिठा लोगी? Shut up. देखो मैं फिल्म के लिए अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ये अपनी चाय की दुकान बेच रहा है, तुम्हें इस बात में क्या मिर्ची लग रही है यार? ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच दूंगा। एक मिनट, ये अपना घर बेच रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पेपर लेके आओ। ये लो। और न्यूज पेपर नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, इस घर के पेपर लेके आओ। यार पहले हमें हीरो तो बनाओ तभी तो लेकर आएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को फिल्म का हीरो बना देता हूँ। और मैं फिल्म की हीरोइन। मेरा सोना 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 सोना। ठीक है, और फिल्म का नाम होगा दो भाई एक बहन। ठीक है, शूटिंग शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिल्म का एक ही नाम होगा, कुमारा कुमारी और कुत्ता। तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया नाम लास्ट। फिल्म का नाम होगा सजना सजनी और सुअर। देखिए आप दोनों आपस में फिल्म बना लीजिए, मैं डायरेक्टर सर के साथ बना लूंगी। ऐसे कैसे डायरेक्टर साहब के साथ बना लोगी? हम भी बराबर के शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल, मेरा लोटा लगा हुआ है, इनकी बाल्टी लगी हुई है। अबे पहले शूटिंग तो शुरू करो आप फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है भी हीरोइन जो है वो झरने के नीचे नहा रही है और वो गाना गा रही है। एक मिनट, मैं झरने के नीचे कैसे नहाऊं? मैं तो आज तक अपने घर के नल के नीचे नहीं नहाई। वैसे I don't mind if it's a Hollywood film. देखो और फिल्म कहीं की भी हो मजा आना चाहिए। ओके ओके सो। अरे यार एक मिनट यार, अब वो बुला रही है। तुम नहाती रहो, गाती रहो, चलो चलो। अरे एक मिनट, मैं क्या नाली से गिर के आई हूँ जो मैं नहाती रहूँ? देखिए, I believe to water save, that's why I don't shave. भाई ठीक है, I believe कि हीरोइन हाइजेनिक होनी चाहिए। हाँ तो ये, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पे तो डीओ लगाएगी नहीं है। Hey, what do you mean by डीओ? तो मेरे साथ सीन करने आ रहे हो या सूखने आ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों हीरोइन को छुप के देख रहे हो अब, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये ठीक है, चलो भाई चलो, ये ठीक है। हाँ भाई झरना आ गया। एक सेकंड, ये तो सीन ही गलत है। जिसे छुप के नहाना चाहिए वो खुले में नहा रही है और जिसे खुले में देखना चाहिए वो छुप के देख रहे हैं, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है। भाई बात ये है कि उस वो यहाँ पे नहा रही है जी, क्योंकि उसको देखने के लिए जो लड़का आएगा वो इसके घर पे आएगा। अच्छा। वाह वाह वाह, और यहाँ पे जो आएगा वो उसका डैडी होगा। तो मुझे क्या करना है? तुम एक काम करो जी, यहाँ से आओ। आ गया। कहो बेटी 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 कहो। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं छुप कर ही देखूंगा। तुम छुप के देखते रहो। ओके। तुम आगे इसको मारोगे। तो मतलब मैं फिल्म का हीरो हूं? नहीं नहीं, तुम लड़की के मामा हो। देखो ऊंट जैसे भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरे को पेमेंट आप बिल्कुल ही ना दो। लेकिन ये आप गलत रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं छुप के देखूंगा आराम से। डायरेक्टर साहब, फिल्म में मैं बस नहाती रहूंगी या मेरे को रोमांटिक सीन भी है? फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्म के अलावा तुम्हारा रोमांटिक सीन जरूर होगा। ये तो फिर आपने प्रोड्यूसर वाली बात कर दी। तुम बन जाओ प्रोड्यूसर, जाके कागजात ले आओ ना प्रॉपर्टी के। यार तुम हमारी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो? यही समझाने के लिए कि ऐसे हीरोइन के पीछे पड़ना है जैसे आप पेपर के पीछे पड़े हैं। करेक्ट। अच्छा कमऑन कमऑन, तुम दोनों इस लड़की के लिए अपना प्यार जताओ, चलो। ये मेरी जान है। ये तोता है जिसमें तेरी जान है। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट तोता, द शट अप यू खोता। क्या शेरो शायरी? हम खोता, इस दिन हमारा भी होगा एक खूबसूरत सा पोता। Why are you laughing? He's just बेपेंदी का लोटा। डायरेक्टर साहब ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे मेरा कैरेक्टर खराब कर रहा है ये। तो कोई बात नहीं, मैं एडिट पे ठीक कर दूंगा। ओ यार आप एडिट पे ठीक करते रहना, हमें तो ठीक करने दो यहाँ पे। भाई दार, अगर मेरी महबूबा की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारा सींग उखाड़ दूंगा। कामोश, मैं तुम्हारा गर्दा निकाल लूंगा। अबे चल 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 झोपड़ी के। चल
अब तुम बताओ क्या अपने प्रेमी के लिए तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां तोड़ लूंगी। हेलो, मेरी बात सुनो। आई विल ब्रेक अप विद माय बैंगल्स। यस यस। कैसी लड़की है ये? और चूड़ियां मरने पे तोड़ते हैं। हां तो तेरे मरे हुए एक्सप्रेशन देख के तो चूड़ियां तोड़ेगी ना वो। और क्या, तेरे लिए अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वाएगी वो। अच्छा, अब सीन नंबर 3। अब तुम दोनों बताओ कि तुमने अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या किया है। मैं इसको साइकिल पर बिठाकर मेले पे लेके गया था। मैंने इसे मेले में झुमके दिलाए थे। हेलो, मुझे कोई झुमका नहीं मिला है। उसके साइकिल वाली बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे झुमके वाली बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है। अरे, तो साइकिल 2000 रुपए का आता, झुमके पता कितने महंगे आते हैं। झुमके तो मैं लेकर रहूंगी, मैं बता रही हूँ। यू शट अप यू झोपड़ी के। और बोलो। ऐसे तो मैं भी इसके लिए कंगन लेकर आ सकता हूँ। कंगन तुम क्या लाओगे, मेरे तो वैसे ही कंगन रहती है। अगर ज्यादा बकवास की तुम्हें हनीमून पर खेलने चले जाओगे। देखो मैडम, हनीमून में अकेले जाओगे उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप टीचर, आपको रिजल्ट का ख्याल रखना चाहिए। चाहे बच्चों का रिजल्ट आए, चाहे रिजल्ट में बच्चे आए। मैं आपको मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हूँ, 30 रुपए महीना किराया। ये तो कोई भी प्रेमी दे देगा। असली प्रेमी वही है जो अपना सब कुछ दे दे। बोलो तुम क्या दोगे? मैं अपना लोटा तक बेच दूंगा। मैं अपनी बाल्टी बेच दूंगा। यार, लोटा बाल्टी को जायदाद के पेपरों की बात करो। मैं इसके लिए अपना घर बेच दूंगा। मैं भी अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ए डॉक्टर, अरे मेरा घर को तेरा मोया। अरे जो पेट की दवा दी ना, उससे तो मेरा पेट साफ ही नहीं हुआ। बोलो, बाहर निकल। ओ यार, तूने लाल गोली की जगह पीली गोली ले ली होगी, तो ऐसे ही होगा ना। एक मिनट। अरे डॉक्टर साहब, आप? अरे नहीं, हम तो वो हॉलीवुड वाला बात कर रहे थे ना, वो चलो वही करते। तो मतलब हॉलीवुड के बनकर। चंदू, डायलॉग छोड़, डंडा उठा। एक मिनट, देखो बुजुर्गों को, आई एम ए सीनियर सिटीजन, मुझे 4 पॉइंट तो मिलने चाहिए। देखो 4 पॉइंट एज ए सीनियर सिटीजन, देखो 4 पॉइंट। पाजी, अजी, आज जो हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, हाँ, ये आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, आपकी फील्ड से हैं, और मैं आप सबको बता दूं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जब मैदान में चले जाते हैं एक बार, आते फिर अपनी मर्जी से। चाहे टेस्ट मैच चल रहा हो, इनका बल्ला जो है वनडे के हिसाब से चलता है। हाँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा उनका, जो गेंदबाजों के सपने में आते हैं, उनको डराते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का। तेरी मेरी ये जवानी जैसे एक फिल्मी कहानी। दिलकशी का ये सफर है, दिल कहे करूं छेड़खानी। वीरू बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज ये पूछूंगा, क्या आपकी आशिकी चल रही है? ऐसे क्यों बाजी? दाढ़ी बढ़ाई हुई है, इससे पहले मैंने जितने शो देखे उसमें चिकने थे एकदम फर्स्ट क्लास। आशिकों की दाढ़ी बढ़ती है। एक्चुअली आपने सही गेस किया, आशिकी मेरी चल रही है, लेकिन मेरी नेक्स्ट फिल्म में जो बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगी। दाढ़ी बढ़ रही है, पेट कम हो रहा है, फिट होता चला जा रहा है तुम। अच्छा, जब बढ़ता है तब आप रोकने लगते हो, कम होता है मैं किधर जाऊं, मर जाऊं मैं? जब कम हो रहा है तब तू सेक्सी दिखने लग जा रहा है। शेरी ब्रो, इफ यू आर फाइंडिंग मी सेक्सी देन आई एम द वर्ल्ड सेक्सिस्ट मैन। वीरू पाजी की एंट्री पे आप सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन एक बार दोबारा तालियां बंदी, क्योंकि ये इकलौते बैट्समैन है जिन्होंने डबल 300 स्कोर मारी हुई। वाह। देखो, उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। वाह। उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। आजकल
ट्विटर के ऊपर उसके जवाबों का बल्ला भी खूब चलता है। निडर निर्भीक योद्धा की तरह करता है प्रहार, सहवाग वो चराग है जो आंधियों के खिलाफ बेखौफ जलता है। क्या बात है पाजी, आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए क्या बताऊंगा, आप सब मैच देखते ही हैं, सिर्फ डबल ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी, मतलब दो बार 300-300 स्कोर नहीं मारी, तीसरी बार फिर मारने चले थे श्रीलंका के खिलाफ 293 रन पे, फिर आउट हो गए। पाजी आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, 7 रन पहले वापस आ गए। देखिए मेरा बस चलता तो शायद मैं 200 पे ही आउट होके आ जाता आपके शो में। सो स्वीट पाजी, लेकिन आप जब भी बल्ला लेके उतरते हैं ग्राउंड में, एक्चुअली हम लोग पहले चौड़े हो जाते हैं, हम लोग खाना वाना सामने रख लेते हैं, हमें पता है बंदा आएगा नहीं 2-3 दिन पहले। मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है, आपका मतलब? मेरा एक ही मानना है कि बॉल आती है और उसका उसको बाउंड्री पर पहुँचाना मेरा काम, ये मेरी सोच। उस सोच में कभी कभी मैं आउट भी हो जाता था। अच्छा, तो उस सोच को दूर करने के लिए कभी कभी गाने भी गाने लग जाता था। अच्छा, और गानों का एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी तो मैं भजन गाता था, और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। मतलब मौके पे चौका मारते हैं आप। तो चिट्टियां कलाइयां, चिट्टियां कलाइयां, शीला की जवानी, ये नहीं शर्याम। भाई आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की तोड़ी आपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था, 52 या 55 लोगों का परिवार था। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4, 5-5 बच्चे सबके थे। तो और बहुत सारे कजन ब्रदर थे, हम लोग हर जब भी कोई स्पोर्ट्स आता चाहे हॉकी हो क्रिकेट हो फुटबॉल हो तो उसको खेलते थे अपने घरों में, तो काफ़ी शीशे तोड़े हैं आसपास के। अच्छा, तो मतलब लड़के भी तोड़े हैं, तो हमारे ताऊ जी बॉल छुपा के बैठ जाते थे, बॉल देते नहीं थे खेलने के लिए। अच्छा, तो फिर हम लोग एक खेल होता था सर्कल बना के, उसमें सब अपनी चप्पलें रखते थे, चप्पलें मारते कि कौन ज़्यादा चप्पलें बाहर निकालेगा, तो वो खेल खेलने लग जाते। अच्छा भाजी, आपको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने उसी ज़मीन पे 300 स्कोर बनाए थे। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। उसी साल आपकी शादी भी हुई थी ना? जी जी जी, उस टूर के बाद। घर वालों ने कह दिया होगा कि बहुत एनर्जी आ गई भी, लड़के की शादी कर दो 300 स्कोर। अच्छा पाजी, जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ 300 स्कोर बनाई थी तो वो आपका रूटीन का बैटिंग था कि आप अपने किसी साथी ओपनर के जीरो पे आउट होने का बदला ले रहे थे? नहीं, मैं पूछना तो बनता नहीं। उसने 300 बनाया 2004 में, तू 1990 लेके घुस गया बीच में। मैंने कहा शायद उस चीज का बदला तो ले रहे थे। कपिल आजा, तेरी फिटनेस बेहतर है पाजी से। तो पाजी पकड़ नहीं पाएंगे। मैं बहुत तेज भागता हूँ। हाँ, अगर मैं फिल्म कर रहा होता तो मेरी भी। पाजी वैसे एक चीज मैंने देखी है, आप में और वीरू पाजी सिमिलैरिटीज बहुत है। कैसे? आप दोनों ओपनर रहे हैं, आप दोनों जब तक खेलते रहे आप कुछ नहीं बोले, आपने जैसे ही खेलना बंद किया आपको चुप कराने वाला कोई नहीं है। मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं कि ये बोलने का टैलेंट कहां से आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये शुरू से होगा। दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी एक है। अच्छा, 20 अक्टूबर। अच्छा भाजी, आप दोनों ओपनर रहे हैं, कभी आपने बोतल ओपन की साथ में? ऐसे ऐसे पूछा मैंने, ऐसे आइडिया। देख भाई, मेरा कोटा मेरे फादर ने ख़त्म कर दिया, इसलिए मैंने शराब को छुआ ही नहीं, इसका पता नहीं। मैं ओपनर था, मैं खोलना अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि जब जब बियर की बोतलें आती थी ओपनर नहीं आता था तो मैं अपने दांतों से खोल देता। क्या बात है, मतलब दोनों तरफ ओपनर है, वाह। अच्छा भाजी, मैंने देखा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जितने ज़्यादातर मैक्सिमम मतलब धुरंधर प्लेयर रहे हैं, जिनका बल्ला बड़ा तेज चलता है, बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश में उतना ही काम थोड़ा ठीक ठाक ही है, पर मैंने देखा है जिनकी भी शादियां हुई है गर्लफ्रेंड्स, बीवियां या गर्लफ्रेंड्स, सबकी इंग्लिश बोलने वाली आई हैं।
तो पाजी ये मतलब कपिल की बारी है। इंग्लिश में हाथ इसका भी तंग है, फेमस ये भी हो गया है, तो बीवी या गर्लफ्रेंड इसकी भी वही होगी जो अंग्रेजी अच्छी बोलती होगी। तो पाजी ऐसा होता है एक्चुअली कि जिनकी अंग्रेजी टाइट होती है, मतलब ऐसे देसी पंगत वाले लोग, उनको ऐसे इंग्लिश बुफे में मिक्स होना कुदरती मिल जाता है, ऐसे कैसे होता है पाजी ये? पाजी देखो, जब आपको लगता है कि आपको आगे जाके फेम मिलने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस आप किसके साथ कर सकते हो? गली में या फैमिली के साथ तो नहीं कर सकते। तो एक लड़की है जिसके साथ आप रातों रात बात कर सकते हो, हाँ, वो आपकी इंग्लिश जरूर सुधार सकती है। और ये ऐसा मैंने ही नहीं किया, कपिल देव उनकी वाइफ देख ले, सचिन तेंदुलकर उनकी वाइफ देख ले, मेरी वाइफ देख ले, या हरभजन सिंह की वाइफ देख ले, जिस मर्जी की वाइफ ले लो आप, या गर्लफ्रेंड ले ले आज के ज़माने में। अच्छा, आपकी इंग्लिश टिप टॉप है। तो अब समझ में आया सबने अंग्रेजी कैसे सीखी है। डाटा पैक डलवा लो, लगे रहो फोन पे। अच्छा पाजी, 2004 में जब आपकी शादी हो गई, ऐसे मतलब मुझे ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब आप 300 स्कोर बनाते हैं तो ससुराल वाले छाती चौड़ी हो जाती है ना गर्व से कि हमारे दामाद जी जो बना रहे हैं ना, तो हेलमेट में से भी पहचान लेते हैं वो वीरू है। और फिर जब वीरू ससुराल गए, अभी ऐसा होता है कि 300 बना के गए हो तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया हो, कभी जीरो पे आउट हो गए तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटा खिचड़ी बनाई आज तो तबीयत ठीक नहीं। मतलब ऐसे आपकी स्कोर के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है ससुराल में? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मानते कि उनका इतना बड़े नसीब था कि इतना बढ़िया दामाद मिला है। अच्छा, कि 15 साल की शादी में 15 बाल भी ससुराल नहीं आया। क्योंकि मैं एक बार ही गया था शादी से पहले, जब मैं वह गया तो उसके बाद मुझे निकलने का मौका नहीं मिला क्योंकि 10,000 लोग नीचे इकट्ठा हो गया। अच्छा, तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ससुराल नहीं आऊँगा, वरना निकलने के मुसीबत हो जाएगी। तो पुलिस बुलाई, तो पुलिस ने पूरा क्राउड हटाया, फिर मैं गया। वाह। अच्छा पाजी, ये भी बड़ी एक्चुअली ये प्यार भी है लोगों का, पर एक पर्सनल लाइफ भी होती है। जैसे कोई सिंगर अगर किसी का दमा तो बोल देती है कि जीजू एक गाना सुनाओ, आपको नहीं सालियां बोलती, जीजू चक्का लगा के दिखाओ, कभी ऐसी फरमाइश? देखिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब से लोगों को ये पता चलने लगा है कि मैं खेलते वक्त गाने गाता था, तो मुझे भी बड़ी रिक्वेस्ट आने लगी। अच्छा, तो फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाना गाने नहीं जाता हूँ, अगर गाना गाने के लिए बुलाना है तो अच्छे पैसे दो, फिर मैं आऊँगा गाना गाने। तो मतलब अगर आप पूछोगे, हमें हिंट है? हाँ। पाजी, जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमराज होते थे, आजकल तो हर जगह कैमरा, विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। हाँ। अंपायर की जेब में भी होता होगा, पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे, टोपी भी। हाँ, टोपी में भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा, कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है, आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, आपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा, और हिलते रहो। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख खुली करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए, सपोज आपके खुजली कहीं और हो रही है, उसको आंख दिखाने लगो, आप कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं, वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया, कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ दो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया, पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए, हम लोग बॉल शाइन करते हैं जी, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां, अच्छा ये तो ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहां घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहां पे हो तो यहां पे घिरने लगेगी, ये कहां पे घिस रहा है? बैट्समैन है, पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। पाजी आप खेल के तो शौकीन रहे, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं, बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, क्या बात है वो। और हीरोइन? माधुरी दीक्षित।
माधुरी दीक्षित, आज माधुरी को कुछ कहना हो आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी हो गई उनकी। अब फिर भी शादी हो गई, दो बच्चे हैं, एक का नाम वेदांत है, एक का नाम महारवीर है। उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके शो से बढ़िया कोई शो नहीं है। क्या बात है, शुक्रिया आर्यवीर एंड वेदांत, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने बड़ी जिद की आने की। अच्छा, बिकॉज उनका आज भी स्कूल है और कल भी स्कूल है, और मुझे पता है कि कपिल शर्मा के शो में दिन में तो शूटिंग होती नहीं। शो आता नाइट में है ना भाजी? हाँ, तो इसलिए शूटिंग भी रात में। दोपहर में शूट करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट नहीं आता। भाजी ऐसा हमने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो स्कूटर के पीछे आप आशीष नेहरा को बिठा के लेके जाते थे। जी। तो आप घर से बॉलर उठा के क्यों लेके जाते थे? बॉलर अपने आप डर के मारे नहीं आते थे आपके सामने? देखिए, बॉलरों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉलर से दोस्ती कर लेते तो वो मेरी टीम का हो या दूसरी टीम का हो, सारे बॉलरों को बोलता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसको बाउंसर मत मारना। मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली के एंड पहले उसके घर जाता था। अच्छा। उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था, दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था। और जब तक तो वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे। वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ, मैं चुपचाप बैठ गया, अखबार खोल के बैठा होता था। मैंने कहा नाश्ता लाए नहीं, तो तभी आशीष कमजोर रह गया, आप सारा नाश्ता तो आप खा गए। पाजी, सचिन सर को आप अपना गुरु भी मानते हैं, कोई ऐसी बात जो सचिन सर ने आपको कही हो जो आपको हमेशा याद रहती है? मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था ऑस्ट्रेलिया गेम, जिसमें मैंने 50 रन और 3 विकेट ली, तो उसका मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मैं टीम से बाहर हो गया था, तो उन्होंने एक चीज़ लगी, गेट वेल सून। उन्होंने कहा मुझे पता तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, जल्दी मिलेंगे। क्या बात। कहते हैं ना, जौहरी को हीरे की परख होती है, हीरे को भी हीरे की परख होती है। आप बिल्कुल होती है। तो आप हीरे हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। Mr. Sehwag, I am. Hi, Mr. Sehwag. This is Dr. Mashroof Gulati. How are you? How are you? अभी ईद बड़ी दूर है यार, तुम मुझे अभी मिलवा रहे हो गले उनके। I am Dr. Mashroof Gulati, USA. क्या झूठ बोल रहे हैं, इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में, USA. USA मतलब उधर से आया, इतना नहीं पता। सहवाग साहब, हाल चाल पे वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहूँगा आपसे। कैसे हैं आप? ये क्या था, ये हाल चाल नहीं था? मैंने हाल चाल तो नहीं पूछा ना, आपका हाल चाल क्या, मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो ठीक तो है। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आपसे पूछा किसी ने? आपसे पूछा उन्होंने कि आप कैसे हैं? Obviously, उन्होंने पूछना था, मैंने पहले जवाब दे दिया। आपको पता है कि मुझे डॉक्टरी का सहवाग कहते हैं। आपको क्यों कहते हैं डॉक्टरी का सहवाग? जैसे आप विकेट की बिना परवाह किए हुए धुआंधार बैटिंग करते हैं ना, मैं भी पेशेंट की परवाह किए बिना धुआंधार ऑपरेशन करता हूँ। बट यू नो, हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। किसमें गुजरा? इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो, तो व्हाट डू आई डू किसमें? मुफलिसी मतलब गरीबी में। अच्छा, गरीबी होता है इसका? मुफलिसी तो वो नहीं होती जो तोड़ के खाते हैं, वो मूंगफली होती है। क्वाइट सिमिलर, मूंगफली जैसी जिंदगी थी हमारी। यू नो, मुफलिसी मतलब कि हमारे ना तो हमारे पास खाने के लिए कपड़ा था, ना पहनने के लिए रोटी थी। आप उल्टा बोल रहे हैं, ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा। नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, पहनने के लिए रोटी नहीं थी, खाने के लिए कपड़ा नहीं था। क्या, अगर रोटी खाओ ना तो एकदम से पच जाती है, लेकिन जो कपड़ा होता है एक महीने तक लीवर ये कंफ्यूज रहता है कि इसको पचाना है कि इसका ब्लाउज बनाना है। जी सहवाग साहब, आपसे बात पूछनी थी, आप बताइए आप डॉक्टर कैसे बने? वो क्रिकेटर है।
मुझे पता है वो क्रिकेटर हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? Sometimes I use my sense of wit and humor. मैं आपकी लाइफ के ऊपर जो आत्मकथा है, अगर इंग्लिश में कहें तो मूवी, वो मैं बनाना चाहता हूँ। ज़रूर बनाएं। कहानी मैंने एक बड़ी अच्छी लिखी हुई है उसके ऊपर, इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको सुना देता हूँ। हम नहीं सुनना चाहेंगे। हाँ तो कहानी है। There was a crow, it was very thirsty. नहीं नहीं, सॉरी, ये तो थर्स्टी क्रो की कहानी है, तो तीन बार मैं ही रिजेक्ट कर चुका हूँ इस पे मूवी बनाने की, बिकॉज क्रोअर्स आर नॉट फोटोजेनिक। पर आपकी फोटो तो हमेशा अच्छी आती है। बात बात तो सही कह रहे हैं कि आपकी फोटो हमेशा अच्छी आती है। बिकॉज आई एम एन एंजल। परी? एंजल का मतलब परी होता है। ये पिछले जन्म में राक्षसों के दरबार में नाचते थे। और बड़ा अच्छा दरबार था आपका। सो चलो कहानी तो चलती थी कि मैं सोच रहा हूँ फिल्म में हीरो किसको ले आपका रोल के लिए। मैंने कंसिडर किया कि धोनी साहब को ले लें, लेकिन मुझे रमेश ने बताया कि धोनी साहब ने तो अपनी पिक्चर में रोल नहीं किया जो उनके ऊपर बने, तो इसमें क्या करेंगे। मैंने कहा बात ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में सिर्फ एक इंसान है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए, वो है मल्लिका शेरावत। यस। कैसे? क्योंकि ये भी खुल के खेलते हैं, वो भी खुल के खेलती हैं। तो सो मेरे को तो लगता है कि इस फिल्म में मैं भी सूटेबल हो सकता हूँ, बिकॉज क्रिकेट की नॉलेज है, लुक अलाइक भी हूँ, बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा महंगा हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। खैर, हेलो सहवाग सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, कैसे हैं? सहवाग सर, आप इनकी बातें ना सुने, आप पर एक बायोपिक टैलेंटेड आदमी ही बना सकता है, और नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। इनको किसने बताया बायोपिक के बारे में? तेरा मुंह ऐसा ना, इसकी शक्ल देखते प्लेयर का आगे बढ़ के हिट मारने को दिल करता है। बनाएगा बायोपिक? तुम्हें पता मैं क्यों नहीं बोला? मुझे पता था तुम्हारे पास मेरे से बड़ी बात होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, इज राइट। वीरूपा जी, आप इनकी बातें ना सुनो, हर चीज रेडी है। देखिए, आप एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। आप अकेले? मैं अकेला ही, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे बनाई हैं। हाँ, शूटिंग के बाद झाड़ू भी खुद मारता है ये सारा बड़ा। देखिए, अगर आप अकेले तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ। जी सर। कि अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है या कुत्ता घुमाता है। तू मेरी बात सुन। हाँ जी। बैठने के लिए तेरे को किसने कहा पहले ये बता? इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम ले ले तेरे को, इसको तो बचपन में टेटनस का इंजेक्शन भी पूरा नहीं लगाया था डॉक्टर ने। हाँ जी, आधा ये तोड़कर भीगे थे ना। आपको पता है इसके बधाई लेने वाले आए ना, उन्होंने एक आधी ताली मारी, उसके बाद रुक गए, कहते बाकी बजाओ, कहते नहीं नहीं हमें गलती हुई, ये कोई बधाई मांगने वाली चीज थोड़ी। बात अच्छी कर रही है, बात अच्छी कर रही है। मतलब ये लीजिए। What is this? ये बधाई, आपने तालियां मारी ना अभी अभी। मैंने तो मेरी बेइज्जती कर दिया यार। चलो मैं कोई नहीं रख लेता हूँ, इसमें क्या है, कम से कम चल तो रहा है ये नोट आजकल। वीरूपा जी, आप मेरी बात सुनिए, देखिए स्टोरी बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि स्टोरी में जैसे पहला सीन आएगा कैमरा खुलेगा। वाह, कैमरा खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा भाई, वेरी गुड। पहले सीन में ऐसे कैमरा खुलता है। खुल गया, उसके अंजर पिंजर बिखर गए सारे। खुल गया कैमरा। वीरू भाई, आप इनको इग्नोर करें प्लीज। तो पहले ही सीन में कैमरा खुल रहा है। सो पहले सीन में कैमरा खुल रहा है, और आपका जन्म हम पेरिस में होता दिखा रहे हैं। ओह वेरी गुड,
पेरिस में पारसी पैदा होते हैं, वीरू साहब हरियाणा में पैदा हुए थे। वो तब हुए थे ना, अब तो पैसे इतना आगे पेरिस में पैदा हो सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया, ये आइडिया है, 9 नंबर का आइडिया है। दो दिन को मैं आइडिया तो मैं मनना, जब मेरी बात हो गई है तुम कैसे बनोगे? मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब लड़ना नहीं, चलो आप बैठिए इधर, आइए आइए, आप आराम से बैठिए। आप ऐसे कौन शांति वार्ता करवाता है भाई? मैं करता हूँ ऐसे। ऐसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको वीरू की बायोपिक बनानी ना। हाँ जी। जैसे वीरू अंधाधुंध खेलते हैं जी, वैसे खेल के बताना है। क्रिकेट का सामान मंगाओ जरा। बैटिंग तो आती नहीं है अंधाधुंध, तो मैं आपकी आंखों की पट्टी बांध देता हूँ। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। ओए कौन मारा डॉक्टर साहब को, मत मारो। बाउंड्री। अरे डॉक्टर साहब वीरू पाजी। हाँ जी। मुंह पे मार। ओ कहाँ चला गया वो? तेरी कौन सी इधर पीछे लगी है बे? इधर आ, तेरा सामान निकल रहा पीछे, डाल उसको। थप्पा थप्पा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दोनों साथ में बैटिंग करनी है। चलो चलो करो। इधर आ, इधर आ, इधर बैटिंग करनी दोनों ने साथ में। चलो रेडी रेडी, इधर आओ। चलो बैटिंग शुरू। 1 2 3 मेरे को नहीं बनना सवाग सर, सवाग सर दी ग्रेट। व्हाट अ लवली इवनिंग वी हैड। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लेता हूँ, आपको उनके बारे में कुछ बताना है कि वो एक्चुअली शरारती हैं या नहीं। राहुल द्रविड़ साहब पिच पे खड़े देखा, डटे देखा, लेकिन वैसे वो शरारती हैं? वो उतने सीरियस हैं जितने वो ग्राउंड पर दिखते। वीवीएस लक्ष्मण बहुत धार्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, और टाइम का सबसे सही इस्तेमाल वीवीएस लक्ष्मण करते हैं। मतलब जैसे बस में अगर 8 बजे पहुंचना है तो 7:59 और 59 सेकंड पे वो एंटर करेंगे। छुपे होते होंगे, ऐसे टाइम पे निकलते होंगे, है ना? और सचिन सर वो हमारे शो पे आते हैं, मैं उनको बहुत बार इनवाइट कर चुका हूँ। फिर मैंने थक हार के एक बार भाभी जी थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको तो मना नहीं कर सकते, उनके कहती नहीं मेरे को भी कर देते हैं मना। बट वी लव यू सचिन सर, पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे, पर हम लगे रहेंगे। मतलब कोई बहाना नहीं चूकते सचिन सर को बुलाने का। कभी नहीं सर। सचिन पाजी बड़े हम्बल हैं, आपके साथ हर तरह के चुटकुले करेंगे, वो आप पे मजाक करेंगे, आप उन पे मजाक करोगे, बट हम लोग एक लिमिट तक ही उनके साथ मजाक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे कि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत बोलता था, तो जब भी जहाँ भी उन्हें कहीं केला दिखता था लेके मुझे दे देते, तो मैं पूछता था मुझे केला क्यों दे रहे हैं? तो जैसे मैं खाता था कह रहा थोड़ी देर तो तू चुप रहेगा जब तक केला खाएगा। तो कोई सोच नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर भी ऐसी बातें कर सकते। तो अगर सर आप ऐसी बातें करते हैं तो इधर आ जाओ कभी। पाजी आप इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, आपने आज तक कभी साथ में कभी कमेंट्री नहीं किए। मैं कहता हूँ क्यों ना शुरुआत यहीं से करें पाजी। मैं शुरुआत करूँ? जो दोनों ओपनर हैं आप कोई भी कर सकता है। दर्शकों से चाहूंगा आप भी गौर करें। दीवाने खास पे बैठे हो,
पीछे अप्सरा का ठिकाना है। अब समझ में आया पाजी आपका अंदाज क्यों शायराना है। वाह, ये संगत का नतीजा है। हम तो शायरी करते हैं महफिल में हो या मैदान में, लेकिन गुरु लड़कियां तो आज भी मरती हैं मुल्तान के सुल्तान पे। आए कुछ और गरम गरम आए कुछ जी। क्या बात, कोई तो राज है पाजी जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं। हमको एक बूंद नहीं मिलती, आप पूरा समंदर लिए बैठे हैं। समंदर पीकर भी कोई प्यास लिए बैठा है, कोई पिलाना चाहे तो पिला दे, हम तो यहाँ खाली गिलास लिए बैठे हैं। इसी बात पे अर्ज किया है भाभी जी, आप भी सुनिएगा। पाजी मैं मानता हूँ आपके पास खाली गिलास है, मैं मानता हूँ आपके पास खाली गिलास है, पर यही तसल्ली कर लो कि बोतल के पास है। शुक्र करो ये बात मैंने भाभी को नहीं बताई। क्यों? वरना क्रिकेट में तो ठीक है, घर से भी संन्यास है। अच्छा पाजी, आपने तमाम देशों की टीम्स के साथ मैच खेले हैं, मैं फटाफट आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपने बताना है कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है, कि अपने काम से काम, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, कौन सी टीम है? श्रीलंका टीम। आधे आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते चले जाते। ओके, कौन सी टीम सबसे ज्यादा पार्टी करती है? वेस्ट इंडीज। वो जो पार्टी कर सकते ना कोई नहीं कर सकता। वो एक्चुअली मैंने देखा है, वेस्ट इंडीज के दो प्लेयर हमारे यहाँ पे भी आए, वो गाना लगा दो सी उनका डांस झट से निकल जाता है। पर अच्छी अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे, आदमी को थोड़ा लाइवली होना चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। और मेरा नाम बीच में था। युवराज सिंह का उन्होंने अपना यूवी कैन का एक लॉन्च किया था ड्रेस का, उसमें क्रिस गेल वॉक करने के बाद आए और बोलते पूछ रहे थे पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, हिंदी में। अच्छा, और तब से लेकर सुबह तक वो पार्टी करते रहे। वो थकता ही नहीं है बंदा ना, वो दो बंदों का मिला के एक बना हुआ है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गालियां देती है? पाकिस्तान। वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ में आती है। समझ में आती है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है, नहाना धोना का ज्यादा प्रवाह नहीं रहती जिनको? इंग्लैंड। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहाँ ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना नहाए हुए हैं कि नहीं। पाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा अमीर है? इंडियन टीम। यस ब्रो, क्या बात है। अच्छा, खेल जिन्होंने मर्जी शुरू किया हो उनके बारे में एक ही बात आई कि नहाते नहीं है। लेकिन हमारे देश ने उसी खेल में इतनी महारत हासिल कर ली, हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं, और हमें इस बात का गर्व भी है हमारे लिए। ओके, लास्ट, कौन सी टीम का ध्यान लड़कियों पे रहता है? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, बहुत किस्से हुए इंडिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के, बैन भी हुए हैं, जेल तक गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा लाइनें मारती है। हम लोग भी मार्च में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सूट समेत वापस करके आएंगे। वीरू पाजी एक स्कूल भी चलाते हैं, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जो झज्जर हरियाणा में स्थित है। पाजी आप उस स्कूल में खास, मतलब क्या बच्चों की आप स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं? नहीं, स्कूल है तो पढ़ाई पे और स्पोर्ट्स पे दोनों पे ध्यान देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स में मौका मिले खेलने का या अपना नाम कमाने का, जो स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो अपना पढ़ाई कर सके। तो ये मेरे फादर का सपना था कि क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं ट्रैवल बहुत करता था, फिरोजशाह कोटला आने जाने में मुझे 2-3 घंटे लगते थे, तो हमेशा कहते थे कि भाई आप इतना लंबा सफ़र तय करते हो 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, उतनी देर अगर आप प्रैक्टिस करो तो शायद आपको बेनिफिट मिले जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कभी तू बड़ा बने या पैसे आए तो एक ऐसा स्कूल बनाना जहाँ बच्चे रह भी सके, पढ़ भी सके और खेल भी सके। तो मैं खुशनसीब था कि 2008 में मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा दूसरा ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद लैंड ऑफर की एकेडमी और स्कूल बनाने के लिए, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे फादर का सपना मैं पूरा कर पाया, शायद मैं भाग्यशाली हूँ। और मेरे स्कूल की एक खास बात यह है कि 1st से 12th तक ये स्कूल है और लगभग 24 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में
स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वाह क्या बात। तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं मेरे स्कूल की तो मेरी वेबसाइट www.sisj.org पर जाकर देख सकते हैं। वीरूपा जी के काफी पुराने दोस्त हैं यहाँ पे राजू शर्मा जी, इनके हा? क्लब से वीरेंद्र सहवाग जी ने खेलना शुरू किया था 15-16 साल की उम्र में। ओ, क्या हालचाल है गुरु? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय कपिल जी। हाय सुदीप भाजी। कैसे भी? कब से जानते हैं आप वीरूपा जी को? ये 15-16 साल के थे तब से। अच्छा। हमारे क्लब का एक टूर्नामेंट था, हमारे सर ने बोला कि वो एक छोटा बच्चा आएगा उसको देख लेना। अच्छा। बड़ा टूर्नामेंट होता है गोस्वामी के तहत। जब हम ग्राउंड में पहुंचे थे देखा वीरू भाई साइड में छोटा सा बच्चा बैग लेके बैठा होता। मैंने बुलाया कि बेटे जरा क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र सहवाग। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा टूर्नामेंट है, छोटा बच्चा मैं कोई नहीं खिलाया। बॉल अच्छा डाला, बैटिंग भी करी, लेकिन जब उस टोनली हम मैच हार गए थे वो। लेकिन बाद में क्लब के लड़कों ने बोला कि सर जो छोटा लड़का बाहर बैठा था वो कह रहा था राजेश चौहान को मैं वहाँ छक्के मार दूंगा, मैं वहाँ छक्के मार दूंगा। तो वो एक इंडिया टीम को ऐसा प्लेयर मिलने वाला था, उसकी आहट उस मैच में मिल गई थी। क्या बात है। शुक्रिया शर्मा जी शो में आने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी आपके फैंस यहाँ पे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। तो जी जो सबसे पहले वीरूपा जी से बात करना चाहते हैं। जी भाई साहब, जैसे पूरे दुनिया जानते हैं वीरूपा जी एक अच्छे क्रिकेटर है, उसके बाद शादी हुई और उनकी बीवी भी अच्छी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीवी अच्छी मिलती कैसी है? लॉटरी सिस्टम है, निकल गई तो निकल गई। अच्छी बीवी पे मैं ये कहूँगा कि भूत प्रेत और अच्छी बीवी ये सिर्फ और सिर्फ दिल का वहम है, इनका वास्तव जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी हो गई शादी? नहीं सर, अभी अभी तक हुई नहीं। नहीं, ये भी वहम है। तो आप क्या करते हैं? मेरा रियल स्टेट का बिजनेस। वो कह रहे हैं कि रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं लेकिन आजकल ठंडा इसलिए आए हुए। कर लो शादी ढूंढ के, आप मतलब ढूंढ रहे हैं घर वाले आपके लिए लड़की? बस अभी ढूंढ रहे। चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो एवरीवन। हेलो सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे। जनरली सारे क्रिकेटर सारे बहुत रोमांटिक होते हैं, आपका ऐसा परसेप्शन है हम सबका कि आप रोमांटिक नहीं है, तो मैं आपके साथ सबका परसेप्शन चेंज करने के लिए आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ। देखिए जो लोगों का परसेप्शन है वो बिल्कुल सही है, मैं इतना रोमांटिक हूँ नहीं। सर प्लीज उसी को तो दिखाना है हमें। आप यहाँ आए, एक और कोई आए और मुझे वो रोमांटिक डांस करके दिखाए। Saying that you invited young moon to come and dance with you, may I request a romantic dance with Kapil ji please? Wow. 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 Thank you. एक पार्टनर तो उनको भी चाहिए क्योंकि वीरू भाई तो डांस करेंगे नहीं, इनकी शादी नहीं हुई ना भाई साहब की। रियल स्टेट आइए आइए आइए, मौका है। धक 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 दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। धक धक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। धक 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 दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा मेरे सनम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। नो नो, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू। ये फनीएस्ट डांस था गुरु, मैंने तेरा डांस ना इतनी जिंदगी में ऐसा डांस नहीं देखा। ये डांस कर रहा है, देखियो डांस कर रहा है। ऐसा लग रहा है दो औरतें डांस कर रही हैं, बीच में लाश चल रही है अभी। अच्छा तो मैं ना बचपन में छुई मुई का पौधा देखा था, ऐसे हाथ लगा ना सिकुड़ जाता है, इसको उसने हाथ लगा। I swear,
अरे फिर ना वो लेडी ऐसे आगे आ रही है बेचारी, कितनी बढ़िया डांस कर रही है। बैठिए भाई प्लीज। यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे तुझे देखिए, देख रहे हैं, देखिए सुल्तान का मुल्तान, नहीं नहीं सुल्तान का सलमान, नहीं नहीं ट्विटर का सुल्तान। और आप जरा इनसे भी मिल लीजिए, यह है ट्विटर का भुगतान। सहवाग जी पाए लागू कैसन बात है। ये मिरर लेके कहाँ जा रही है संतोष? ये आईना रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं। हमारा शक्ल इसमें बड़ा अजीब सा दिखता है आजकल, पता नहीं क्यों। आपको तो पता है हम मिस वर्ल्ड में भाग लेने वाले हैं ना। तू भाग ना ले, तू वहां पे जा, वो तुझे खुद ही भगा लेंगे। कपूर सर आप एक काम कीजिए, आप जरा शादी कीजिए। क्यों? हम आपका घोड़ी को ना जमाल घोटा खिला देंगे। उसके बाद शादी का सहनाई आपको सुनाई दे ना दे, लेकिन घोड़ी का सहनाई जरूर सुनाई दे। हम पहले से इतना परेशान है, ऊपर से परेशान किए जा रहे। सहवाग आया है, कैसे हो सहवाग? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। रुक जाइए, हम यहाँ पर अपना परेशानी सुना रहे हैं ना। चुप कर, मेरी समस्या सुन सहवाग। दरअसल क्या है ना, मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ। कब से कप्पू का नाना ढूंढ रही हूँ, जिसको भी पूछती हूँ वो ना ना बोल के चला जाता है। कर बैठो। इस उम्र में अभी तुम्हें नाना की नहीं, तुम्हें नहाने की जरूरत है। कितनी बास मारती है तुम, शर्म नहीं आती? किस लिए आए तुम लोग यहाँ पे? अरे हमारा परेशानी है, क्या बताएं आपको? मेरी भी परेशानी है ना, तू मुझे बोलने दे ना। मेरी परेशानी भी देखो, एक बार आपको देखो, एक बार इन्हें देखो, एक बार आपको। क्या टेनिस का मैच चल रहा है क्या? टक टक टक, एक ही साइड पे क्यों नहीं बैठ जाती दोनों? देखिए इधर उधर परेशानी 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 कर रहे वीरेंद्र सहवाग जी। हम आपको बताते हैं हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी क्या है। क्या है? ये मनुष्य है ना। ये अब मनुष्य अकेला हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी है। क्या परेशानी तुम्हारी? अरे दो शब्द बोलने नहीं देता, बीच में इतना टोकता है। इस मनुष्य से बचाइए। दो शब्द नहीं बोलने देता, बीच में दो शब्द बोलने को दिए जेल हो गई थी। अरे इतना परेशान किया है कि हमारे जीवन में ना अच्छा बात सुने हुए जमाना हो गया। तू कुछ अच्छा सुनना चाहती है? हाँ। Shut up! अच्छा आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं, वीरेंद्र सहवाग के मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे हाँ सहवाग, सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। जी गाते हो ना? कभी कभी। वीरूपाजी ये ऐसे जाएंगे नहीं, ये एक्चुअली आपका गाना सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। तो एक बार वीरूपाजी की आवाज में गाना हो जाए। मैं तो बर्बाद हो गया। इसने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब यही समस्या है हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा। इसका मुंह तोड़ के इसका एटीएम क्यों नहीं बना लेते तुम? विड्रॉ में क्या निकलेगा? पास निकलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। समस्या हमारा है कि इसके जो भैया हैं वो क्रिकेट मैच के हैं बहुत शौकीन, हमको रोमांस तो बिल्कुल करता ही नहीं है। हमको प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। घर भी आता है इसका भैया क्रिकेट का शौकीन है, बैठ कर मैच देखने लग जाता है, और टेस्ट मैच तो 5 दिन तक चलता है। भगवान पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है। हमारा जिंदगी का समस्या समाधान कर। हाँ तो ऐसी नो बॉल जैसी बीवी मिलेगी तो मैच ही देखेगा आदमी। विकेट जैसा मुंह है देखो। पर बात हुई ये मेरा। स्टेडियम हमको शीशा दिखा रहा है, बताओ। विकेट को शीशा दिखा रहा। पाजी थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और बहुत मजा आया आपसे बातें करके।
आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। तेरे सनम तेरी कसम, मीठी मीठी आग में जलने लगा। धक 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 धक, एक सेल्फी। धक 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 धक, धक धक और धक धक। थैंक यू बाजी, थैंक यू। धक 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 धक।